सर स्टार्ट। ओके यस सर। सर। ओके सर, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर। काफी दिनों से कैपिटल गेन खेल रहे थे, बट अब थोड़ा सा कैपिटल गेन से हम लोग आगे निकल जाएंगे। जिन लोगों ने कैपिटल गेन कर चुके हैं लाइव, वो लोग ऑब्वियसली रिवाइज करें, जो नहीं किया है वो रिकॉर्डेड देखे और रिवाइज करें, फिर बाद में लाइव करें। ठीक है। अच्छा देखो, आज मैं आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन इज दैट सर, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है? सर जैसे कि आप लोगों को पता है, इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं और 5 हेड में एक आपका सैलरी एड हो जाता है। ठीक है, सैलरी, बीपी, सीजी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। चलिए, तो जैसे कि आप सबके स्क्रीन में दिख रहा होगा सर, है ना, दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कि हेड्स ऑफ इनकम में रोज दिखाता रहता हूँ, आदत हो गया होगा, बट फिर भी क्या करें सर, मेरा आदत है दिखाने का। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, टीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस एंड कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है ना सर, क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट टैक्स मतलब रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करता है? ये गवर्नमेंट बजट का डेटा से मैं पहले भी दिखाता रहता हूँ, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, वापस दिखा रहा हूँ एक बार कि सर हमारा देश जो चलता है ना, इसमें देश चलाने के लिए रेवेन्यू का जरूरत पड़ता है। ये फेब्रुअरी 2022 में जो डिक्लेयर किया हुआ बजट था, उसमें गवर्नमेंट ने जो बजट निकाला था, फिर बजट में गवर्नमेंट ने बताया था कि गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिलता है। ठीक है, तो अगर आप करेंटली भारत सरकार का रेवेन्यू कलेक्शंस का एरिया चेक करो, तो 22-23 बजट में गवर्नमेंट ने देखा था कि गवर्नमेंट का अगर 100% इनकम होता है, रेवेन्यू आता है, तो 100 में से इनकम टैक्स आता है 15%, और जो हम लोग का एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, हमें इसको पढ़ना पड़ता है, इवन लॉयर भी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि इनकम टैक्स 100 में से 15% है, तो सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज 35, 100 में से 35% सरकार को लोन लेना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट से। ये थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा है सर, लेकिन सर इतना बड़ा देश, इतना इसका डिमांड फुलफिल करने के लिए देश को लेना पड़ता है। सर इसके अलावा और भी कोई टैक्स है क्या? हाँ, हम लोग और एक टैक्स पढ़ते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, किसी किसी को कस्टम्स भी पढ़ना पड़ता है, लाइक सीएस में, सीएमए में। ठीक है, कस्टम्स का भी है, तो सीए को भी पढ़ना पड़ता है, बट फाइनल लेवल में। सो जीएसटी 16% है 100 में से, इनकम टैक्स 15% है 100 में से, मतलब तो कुल मिला के करीब 31 इधर हो गया, इधर 5% मिला के 36%, और इधर 7% एक्साइज ड्यूटी, ये अभी जीएसटी के साथ इंक्लूड हो गया है, और उधर आपका कॉरपोरेट टैक्स है 15%, मतलब आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट 60% के आसपास गवर्नमेंट का अर्निंग टैक्स से आता है, उसमें 15% इनकम टैक्स से आता है, और अंतर पार्ट इज दैट कि जितना इनकम टैक्स का सोर्स है, उस सोर्स में से सैलरी से भी गवर्नमेंट इनकम कमाता है, हाउस प्रॉपर्टी से भी कमाता है, मतलब जो रेंट से इनकम करता है गवर्नमेंट, उनको भी टैक्स देने के लिए बोलता है, कैपिटल गेन जो कैपिटल एसेट बेच के हम लोग इनकम करते हैं, और गवर्नमेंट बोलते हैं कि भाई कैपिटल एसेट बेचा, कैपिटल गेन हुआ, अब हमें टैक्स दे दो। ठीक है, अब सरकार तो बोलेगा, सिमिलरली सरकार और एक मैटर पे भी बात करता है कि भाई तुम टैक्स तो मेरा 15% चाहिए इनकम टैक्स, अब जब 15% इनकम टैक्स हमें चाहिए, तो हम आपको प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको हम लोग प्यार से पीजीबीपी कहते हैं। ठीक है, प्यार से हम इसे पीजीबीपी कहते हैं सर। ठीक है, कोई बोलते हैं पीएनजी, ठीक है, पीजीबीपी इज द मोस्ट पॉपुलर सर। ठीक है, तो पीजीबीपी से सरकार को एक बड़ा अमाउंट ऑफ अर्निंग मिलता है, और गवर्नमेंट चाहता भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पीजीबीपी में आए और टैक्स दे। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो जितना देश का बढ़ता है उतना अच्छा है ना, देश में बिजनेस जितना बढ़े उतना अच्छा, और गवर्नमेंट भी बिजनेसमैन एज वेल एज प्रोफेशनल, जैसे आप लोग भी आगे आगे क्या बन जाओगे सर, आगे आगे आप लोग प्रोफेशनल्स बन जाओगे, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स बन जाओगे।
सो प्रोफेशनल से भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है। अब जो बिजनेस करे और जो प्रोफेशन संभाले, चाहे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड हो, प्रैक्टिसिंग सीएस हो, प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, ठीक है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हो, प्रैक्टिसिंग इंजीनियर हो, एनीवे जो प्रोफेशन संभालते हैं, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हो, ठीक है, ये सभी प्रोफेशनल्स में आते हैं। और बाकी बिजनेस मतलब जहाँ पर कोई गुड्स का बिजनेस हो, हाँ सर, जहाँ पर कोई गुड्स के बारे में बताया जाता हो, मतलब गुड्स बेचा जाता है या सर्विस भी बेचा जा सकता है, ठीक है, सर्विस बेचो, गुड्स बेचो, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो बिजनेस कहेगा और बिजनेस के ऊपर आपको जो अर्निंग होगा सरकार के घर में जमा कर पा, ठीक है। अब हम लोग ये पीजीपीपी चैप्टर में एक्चुअल में वही सब चीजें आपको बताने वाले हैं। ऐसे तो अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूँ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 28 से लेके 44 तक, 44 में भी कुछ और एरिया है, मोटा मोटी 44 AB, 44 AD, 44 ADA, 44 AE तक ऑलमोस्ट जिसके बारे में बात की है, ठीक है। जरूरत पड़ने से कुछ एक्स्ट्रा भी बनाता है लेकिन ये मेन है सर, मतलब यही इसी से मतलब जिंदगी बीत जाएगा काम करते करते। जो लोग इनकम टैक्स कंसल्टिंग का काम करते हैं उनके पास जब क्लाइंट आते हैं तो बिजनेस वाले क्लाइंट आए ना, तो ये सेक्शंस का आप थोड़ा गो थ्रू करोगे आपको रिकॉल हो जाएगा कि भाई पढ़े थे बचपन में ना, मतलब जैसे कि अभी पढ़ रहे हो, 5 साल बाद, 7 साल बाद जब आप लोग इनकम टैक्स कंसल्टेंट बन जाओगे तब तो आप लोग को ये रिकॉल करना पड़ सकता है। हाँ, हो सकता है कोई सेक्शन थोड़ा आउट हो जाए, कुछ सेक्शन में इंक्लूड हो जाए, वो सब अमेंडमेंट होता रहता है, बट ओवरऑल मेन थीम चेंज नहीं होता। अब बात ऐसा है सर, ये जो सेक्शंस है एक एक सेक्शन जानना पड़ेगा क्या? हाँ सर, ये एक एक सेक्शन जानना पड़ेगा, बिल्कुल जानना पड़ेगा कि मतलब पीजीबीपी के बारे में गवर्नमेंट ने क्या कहा, मतलब क्या हर एक गेन्स एंड प्रोफेशंस का जो भी इनकम है क्या वो टैक्सेबल है, ठीक है, क्या कभी एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है, क्या हर बिजनेस में सरकार टैक्स लगा देता है, क्या इन बिजनेस करके इनकम करने से ही टैक्स देना पड़ता है, बहुत डिटेल्स है सर, ठीक है। तो अभी जल्दबाजी नहीं सर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो, कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट लिख लो, ठीक है, क्योंकि जब बाद में कॉपी चेक करोगे तो आपको ये जरूरी होगा, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा बैकग्राउंड सेटअप हो चुका है कि पीजीपीबी क्या है और पीजीपीबी पढ़ के हम क्या करते हैं। हेडिंग कर दो इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसका ओवरऑल डिस्कशन एरिया क्या है सर? सेक्शन 28 से लेके 44 AE ऑलमोस्ट, ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल सेक्शन का डिस्कशन एरिया है, बाकी बीच बीच में इधर उधर का पॉइंट आता रहता है सर। अच्छा, अब बात ऐसा है सर कि बिजनेस प्रोफेशंस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो क्यों ना बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं सर। हाँ हाँ सर, चलो बताएं। ओके चलो सर, बिजनेस के बारे में कहाँ बोला है, प्रोफेशंस के बारे में कहाँ बोला है, ऐसे सर मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशंस के बारे में पीजीपीपी ना डायरेक्टली बहुत डिटेल्स में बोला नहीं, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिजनेस को या प्रोफेशंस को इतना भी डिटेल्स में नहीं बोला, ठीक है, ये फिर भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में और प्रोफेशंस के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 के बारे में 6 के अंदर प्रोफेशंस को बोला है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो प्रोफेशन को ऐसे डिफाइन किया नहीं है, फिर भी बिजनेस को डिफाइन किया, ठीक है। लेकिन जो भी है हम लोग एज पर सेक्शन प्रोफेशंस क्या है बिजनेस क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लिखिएगा सर थोड़ा पहले बिजनेस एंड प्रोफेशंस के बारे में लिखिएगा, लिखते लिखते बात को आगे बढ़ाएंगे और आगे निकलते जाएंगे। जरा हेडिंग लीजिए बिजनेस, हाँ सर, बिजनेस का टैक्स, बढ़िया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, ज्यादा नहीं छोटा करके लिख लो सर। बिजनेस का मतलब क्या कहता है? बिजनेस मींस, कहते हैं बिजनेस मींस एनी ट्रेड। सोनी को अभी फिर से क्या, अभी तो ज्वाइन हुआ था सोनी, फिर से प्रॉब्लम में पड़ गया क्या? एक मिनट रुको तो सर, अभी तो जान,
जैसे कि हम लोग क्या लिख रहे हैं सर, बिजनेस के बारे में लिख रहे हैं कि बिजनेस का मतलब क्या, बिजनेस मीन्स एनी ट्रेड, हाँ सर, बिजनेस मीन्स एनी ट्रेड, बिजनेस मीन्स एनी काइंड ऑफ कॉमर्स। सर थोड़ा ध्यान से बात को सुनना, ठीक है, बिजनेस का मतलब बोल रहा है कि बिजनेस का मतलब है ट्रेड करना, बिजनेस का मतलब है कॉमर्स करना, बिजनेस का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग करना। सर क्या बात कर रहे हो, ट्रेड भी बिजनेस, कॉमर्स भी बिजनेस, मैन्युफैक्चर भी बिजनेस, और एडवेंचर, बिजनेस का मतलब एडवेंचर भी है क्या? हाँ सर एडवेंचर भी है। सर ये क्या कहाँ बोला गया एडवेंचर? अरे सर बिजनेस रिस्क होता है ना बिजनेस में, उसी को एडवेंचर कहा जाता है। बिजनेसमैन को दिक्कत क्या है, बिजनेसमैन को एक छोटा सा दिक्कत क्या संभालना पड़ता है हर बिजनेसमैन को, कि मार्केट में पैसा लगाने के बाद उनको चिंता होता है कि क्या पता कस्टमर आएगा कि नहीं, क्या पता मेरा कैपिटल डूबेगा कि नहीं, है ना। तो इस ये जो रिस्क है ना, ये रिस्क के चलते हमारे देश में 90% लोगों को, 90% क्या 80% मान लो, 80% लोगों को बिजनेस करने का ना मन नहीं करता, उनको डर लगता है, ठीक है, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि डर के आगे जीत है। अब जो ये डर को जीत जाए वो खेल खेल दिया। तो बिजनेस सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, बिजनेस मींस एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर, ओके एडवेंचर, और क्या लिखेंगे इसके साथ, और कंसर्न। सर बिजनेस को कंसर्न भी बोलते हैं, आप लोग अकाउंटेंसी में ये वर्ड सुने होंगे, ठीक है, बिजनेस ऑल्सो मीन्स कंसर्न इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू सच, अगेन सच ट्रेड, मतलब बिजनेस के पहले तो ट्रेड करो, कॉमर्स करो, मैन्युफैक्चर करो, एडवेंचर करो, और कंसर्न मतलब किसी भी बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ एडवेंचर, किसी की बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ कंसर्न, कंसर्न इन द सेंस कि जब हम लोग बिजनेस को, मतलब बिजनेस ऑलवेज एक कंसर्न सिचुएशंस पे चलता है ना सर, कि आई एम कंसर्न बिकॉज मेरा मार्केट में पैसा लगा हुआ है, मैंने माल उठाया है 10 लाख का, मैंने दुकान का रेंट लेके रखा है, इट्स ऑलवेज क्रिएट कंसर्न सर। तो बिजनेस को कंसर्न बोला जाता है इसीलिए, ठीक है, इंग्लिश में एक वर्ड है ना कंसर्न, चिंता, ठीक है, तो वही चिंता जो बिजनेस की चिंता है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं सर, सच ट्रेड, ठीक है, रिलेशन टू सच ट्रेड, अगेन रिलेशन टू सच कॉमर्स, रिलेशन टू सच मैन्युफैक्चर, तो उसके साथ जुड़ा हुआ। साथ में ये भी लिख दो थोड़ा सा, आइदर कैरेट ऑन विथ अ मोटिव, आइदर कैरेट ऑन विथ अ मोटिव, विथ अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट और any profit actually accrue or not। सर ये क्या बात हो गया, क्या कह रहा है सर, ध्यान से सुनना, आप कोई ट्रेड करते हो सर, ट्रेड का सिंपल मतलब है बाइंग करना सेलिंग करना, ट्रेड का मतलब होता है बाई करना सेल करना, कॉमर्स का मतलब होता है सारे सुविधाएं देना, एक बिजनेस चलाना होता है ना सर, सिर्फ बाय सेल करने से बिजनेस नहीं चलता। क्या कोई मुझे ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर के बीच में फर्क बता सकते हो? ऐसे आप लोग बचपन से सुनते हो कॉमर्स स्ट्रीम, बट क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर में क्या बेसिक डिफरेंस है? एनीवन सर प्लीज ट्राई करो, जल्दी बोलो सर, ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सर मैन्युफैक्चर तो समझ में आ ही रहा है, हाँ सर, जैसे ये एक बेबी गियर है, ठीक है, अब इसमें ये बेबी गियर कितने दाम पे बिक रहा है सर? सर 10,000 का दाम है, 10,199, 10,199 का प्राइस है इसका। अब अगर ये फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है इसका, फ्लिपकार्ट इसका ट्रेड कर रहा है, किसी से लेके आपको बेच रहा है, या फिर सेलर को बोल रहा है कि भाई तुम बेच दो, बदले में हमें कमीशन दे दो, व्हाटएवर,
ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक ट्रेडिंग की तरह यूज हो रहा है सर। इसको बनाने वाला कंपनी जो ये है सर, मस्टेला 3-in-1 डिलक्स मल्टीफंक्शनल बेसिनेट और स्विंग नैपर स्विंग्स, आई डोंट नो क्या है इतना नाम, बट जो भी हो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है सर। जिनके जिन्होंने मैन्युफैक्चर करके बेचा वो भी बिजनेस कर रहा है, जो इसको ट्रेड कर रहा है सर, कोई मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना नहीं है। जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ा हुआ सेलर, जैसे कि ये कंपनी क्या नाम है, ट्रू केयर ऐसा कुछ नाम लग रहा है, क्या नाम है बाबा, चुटारे इंडिया आया, जो भी हो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है मुझसे, आप लिख कर लो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये इसका ट्रेड कर रहा है, जिसने इसको बनाया है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। बट माय क्वेश्चन इज दैट कॉमर्स कहाँ है इसमें, प्लीज थोड़ा ट्राई करें सर, जवाब दें सर। आप लोग कनेक्टेड हो मेरे साथ, आवाज आ रहा है मेरा आप लोगों को? बिजनेस टू बिजनेस जब डील होता है तो उसको कॉमर्स कहते हैं, कॉमर्स को। बिजनेस सर, ट्रेड जो कर रहा है वो तो बिजनेस बिजनेस डील तो कर ही रहा है, जो मैन्युफैक्चर किया वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग भी तो बिजनेस टू बिजनेस डील ही हो रहा है, लेकिन वेयर इज द कॉमर्स पार्ट? মানে মার্কেটে কোনো কম্পিটিশন দেওয়া, একটা একটা প্রাইস কে কন্ট্রোল রাখা, বা কিরকম ওই প্রোডাক্টটা কতটা মার্কেটে দাঁড়াতে পারবে, এই পয়েন্ট গুলোকে দেখা, এসব কমার্স এর মধ্যে পড়বে। सर सर आप लोग गलत नहीं बोल रहे हो, बट ये एक ओवरऑल बात है सर। देखो इस पूरा खेल में, जैसे मानो बात को समझो, ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर में कितना थीन डिफरेंसेस है और ये डिफरेंस कितना बड़ा है। हम लोग अभी कभी नहीं बोलते कि हम लोग ट्रेडिंग लेके पढ़ाई करते हैं, डेफिनेशन तो बता दे रहे हैं। डेफिनेशन में सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 हमें डेफिनेशन में यही बता रहा है कि बिजनेस मीन्स एनी ट्रेड, बिजनेस मीन्स एनी कॉमर्स, बिजनेस मीन्स मैन्युफैक्चर, बिजनेस मीन्स एडवेंचर और कंसर्न इन रिलेशन टू सच ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, ठीक है, आइदर कैरीड ऑन विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट और एनी प्रॉफिट एक्चुअली अक्रू और नॉट। बट इसमें कॉमर्स का जो मेन एरिया है सर, ये एरिया है सर, अगर सिर्फ जो बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा था उसी में क्या ये मार्केट में सेलेबल हो जाता? जो बंदा इसको ट्रेड कर रहा है कि सिर्फ वो बोलता कि भाई मेरे पास ये है लेके जाओ, तो उसमें क्या वो हो जाता? लेकिन सर इसको जैसे कि एक अच्छा बात आप लोगों ने किया कि सर जब बिजनेस डीलिंग होता है तो उसमें मार्केट में उसका सेल बढ़े गिरे कमे, हाँ सर कंपटीशन देना, जो एक अच्छा पॉइंट उठाया आप लोगों ने। अब उसके लिए देखो क्या क्या करता है, ये देखो सर ये अवेलेबल ऑफर दे रहे हैं आपको पार्टनर नंबर। सबसे पहले तो वारंटी देखो आप कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, ठीक है, तो आपको वारंटी मिलेगा, ठीक है। अच्छा फ्लिपकार्ट से लेने के बाद अगर कुछ दिक्कत लगे तो मैं 10 दिन में रिप्लेस कर सकता हूँ, क्या कैश ऑन डिलीवरी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा फिर सवाल उठता है क्या कोई बैंक ऑफर है क्या, ठीक है, क्या कोई बैंक ऑफर है जैसे कि अगर मैं ईएमआई में ले सकता हूँ क्या, ठीक है, क्या 354 पर मंथ ईएमआई पॉसिबल है? हाँ तो बोल रहे हैं हाँ है। क्या बैंक ऑफर है 5% कैशबैक है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड से, जिसके पास है वो ले सकता है, ठीक है सर। बातें ऐसा है, अच्छा क्या घर पे डिलीवरी कर देगा? हाँ बोल रहे हैं हाँ। सीओडी अवेलेबल है? हाँ बोल रहे हैं हाँ। मतलब जैसे कि आप लोगों ने कहा इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मार्केट में इसका बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ मैन्युफैक्चर करना और उसको दुकान में सजाना इनफ नहीं होता है, उसको सेल करना उस बिजनेस को रन कराने के लिए और भी चीजें जरूरी होता है, जैसे कि ऑफर क्रिएट करना, वारंटी क्रिएट करना, सीओडी क्रिएट करना, रिप्लेसमेंट पॉलिसी रखना, व्हाट एवर जो पॉसिबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, ठीक है। हर बिजनेस का अलग अलग अप्रोच होगा, हर चीज में वारंटी नहीं होता है, ठीक है, हर चीज में रिप्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन जितना हो सकता है जिससे कि वो बिजनेस सर्वाइवल मोड पे आ जाए उसे कहते हैं कॉमर्स। तो ओवरऑल पूरा बिजनेस सेटअप को डेवलप करने का जो एरिया है उसे कॉमर्स कहते हैं। और इसीलिए आप लोग बचपन से जो स्ट्रीम के बारे में सुनते हो ना उसे कॉमर्स स्ट्रीम कहा जाता है। अब दुख की बात यह है सर, हम लोग पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, ये टॉप सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट ये स्ट्रीम वो स्ट्रीम, बट दुख की बात यही है कि हम लोग स्ट्रीम का मतलब ही नहीं समझ पाते, ठीक है। अब ये दुख है हमारे देश में, अब क्या करें। चलो आगे बढ़े,
ठीक है। अच्छा अब दूसरा एक पॉइंट इस डेफिनेशन के अंदर है, कहता है कि आइदर कैरिड ऑन विद ए मोटिव टू अर्न प्रॉफिट और एनी प्रॉफिट एक्चुअली अक्रू ऑर नॉट। जैसे मानो कि कुछ जो बिजनेसमैन इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आया है वो ऑब्वियसली प्रॉफिट मोटिव में ही आया होगा। हाँ सर, जैसे मार्केट में कितना सारा कंपनी ऑलरेडी आ चुका है, बट क्या उसका प्रॉफिट हो चुका है? जैसे मानो कि जोमैटो, क्या जोमैटो प्रॉफिट कर चुका है सर? क्या जोमैटो मार्केट में प्रॉफिट करना चालू कर दिया है? सर मुझे जितना पता है कि अभी भी जोमैटो का प्रॉफिटेबल सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ। तो अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है तो क्या हम बोलेंगे कि वो बिजनेस नहीं कर रहा है? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जोमैटो अभी भी प्रॉफिट बनाने में, जैसे पेटीएम अभी भी लॉस में है। ठीक है, नाइका बोल के एक ब्रांड है सर, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये लोग अभी भी ना लॉस मेकिंग हालत में है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जब बिजनेस प्रॉफिट मोटिव में ही आएगा, बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट करने के लिए ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रॉफिटेबल रहे ऑलवेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो प्रॉफिट नहीं करता है तो हम बोलेंगे कि वो बिजनेस नहीं करता। वो अलग बात कि टैक्स देना पड़ता है अर्निंग के ऊपर, ठीक है, लेकिन बिजनेस तो है सर। Either carried on with a motive to earn profit or any profit actually accrue or not. मतलब आप कभी ये बहाना नहीं मार सकते कि भाई मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ये बिजनेस नहीं है। नो सर, ये एक्सक्यूज काम नहीं करता। ठीक है, आगे डिटेल्स और भी प्रोविजन सेक्शन वाइज जब बताएंगे तो आपको क्लैरिटी होगा कि क्या चल रहा है, बट डेफिनेशन बहुत क्लियर कट बात करता है। अच्छा सर, इसमें कुछ और बातें जोड़ो। क्या बातें जोड़ना है सर? इसमें ये भी लिखो सर, मैं साइड में लिखता हूं, लिखिएगा एनी इंसिडेंटल और एंसिलरी मतलब जुड़ा हुआ। हाँ सर, उस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ कोई भी सर्विस, उसे इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी कहते हैं। इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी टू सच ट्रेड और कॉमर्स, वही सेम बातें, और मैन्युफैक्चर, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और एडवेंचर और कंसर्न इज ऑल्सो बिजनेस। ये पॉइंट फिर दिमाग खा गया। एनी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी कैसे हो सकता है? मतलब मेन बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ एक्टिविटी, शायद वो आपका मेन एक्टिविटी नहीं है, बट उस एक्टिविटी के साथ आप वो भी करते हो। जैसे एक सिंपल आप देखेंगे, से फॉर एग्जाम्पल सर, कभी आप लोग गैस की दुकान में गए हो सर? वो एलपीजी वाले जो एलपीजी बेचता है, लाइक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपी गैस, इंडियन गैस, इंडियन, आप लोग बचपन से देखे होंगे सर। उन लोगों का मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? एलपीजी बेचना, मतलब सिलेंडर बेचना, वो उनका मेन एक्टिविटी है। लेकिन आप देखेंगे वो एलपीजी के साथ साथ और भी चीजें बेचता है, जैसे ओवन भी बेचता है। ठीक है, किसी का नॉव खराब हो जाता है तो वो भी बेचता है। ठीक है, और कई बार जब आप स्टार्टिंग में लेने जाते हो तो वो उन्हीं के वहां से लेने के लिए आपको बोलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सिलेंडर लेके घर आ जाओ। इसका और भी अच्छा एग्जांपल आप निकाल सकते हो, जैसे मुझे एक प्रैक्टिकल नॉलेज आता है, एक प्रैक्टिकल एक कॉन्सेप्ट आया था। टाटा सिंगूर में एक फैक्ट्री बनाने वाला था, बाद में वो गुजरात में चला गया नैनो का। ठीक है, अब टाटा सिंगूर में ये नैनो कॉन्ट्रोवर्सी जो बना था ना सर, इस कंट्रोवर्सी में एक्चुअली ये एंसिलरी एक्टिविटी को लेके ही झमेला हुआ था। ठीक है, ये देख सकते हो आप, वेस्ट बंगाल में 2008-09 के आसपास के टाइम का बात है सर, थोड़ा इतिहास बन गया है ये बातें, लेकिन अभी भी इसका चर्चा होता है। ठीक है, रिसेंटली ममता दीदी ने भी बताया कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि पश्चिम बंगाल में टाटा अपना फैक्ट्री नहीं बना पाया, बट एक्चुअली ममता दीदी खुद इतना प्रोटेस्ट किया था कि टाटा बोला कि भाई चलो यहाँ से, हमसे यहाँ पर बिजनेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, पॉलिटिकल उनका गेम था, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि जब टाटा ने इस एरिया में मतलब वेस्ट बंगाल में सिंगूर जो हावड़ा से सॉरी कोलकाता से 35 से लेके 37 40 किलोमीटर के अंदर में एक एरिया है, तो जब सिंगूर में ये फैक्ट्री बनाने के लिए पूरा एकदम सब कुछ सेटअप हो चुका था, ये सब जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ ये उसी फैक्ट्री के अंदर का फोटो है, ठीक है, एबंडेंट हो चुका है अभी तो ये पूरा जगह को पूरा एकदम, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इसका जवाब दे दिया, ये पूरा जगह एकदम डायनामाइट से उड़ा के एकदम साफ सुथरा कर दिया, अभी कुछ नहीं है, गड्ढा है, अभी बोला जा रहा है कि वहां पर ये होगा फिश का एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, फिशिकल्चर होगा, सो फिशरीज का काम करेगा जो भी वो कुछ तो करे भाई, इतना बड़ा लैंड पड़ा हुआ है, लेकिन पॉइंट इज दैट एक्चुअली पर्टिकुलर डील के टाइम पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ टाटा का जो डील बना था उसमें मेन डील था नैनो का गाड़ी बनाना, ठीक है, टाटा ने बोला था कि मेरा मेन बिजनेस होगा नैनो मैन्युफैक्चरिंग करना, बट साथ में कुछ एंसिलरी एक्टिविटी भी टाटा करने के लिए बोला, पहले एक्चुअली टोटल 600 एकड़ जमीन का डील हुआ था सर, 600 एकड़, ठीक है, अब 600 एकड़ को लेके ना प्रॉब्लम नहीं था, ममता दीदी के पास 600 एकड़ को लेके कोई प्रॉपर प्रोटेस्ट करने का ये नहीं था, तब ऑन दैट टाइम जो गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में था दैट इज CPIM गवर्नमेंट, ठीक है, लेफ्टिस्ट पार्टी था, तो उनका जो डील टाटा के साथ हुआ था वो 600 एकड़ में था, बट डील प्रॉब्लम कर दिया 400 एकड़ बाद में एंसिलरी एक्टिविटी के नाम पे जो लिया गया, ठीक है, जो मेन डील का पार्ट नहीं था, अब ममता दीदी इसी मैटर को अपना मुद्दा बना के, ठीक है, इसी मैटर को मुद्दा बना के पूरा खेल खेल, अब फिर टाटा बोले भी हम चाहे, अब एंसिलरी एक्टिविटी में क्या करने वाला था टाटा वही मैं आपको बोलने जा रहा था, जैसे मानो देखो टाटा इंजिन बनाएगा गाड़ी का ढांचा बनाएगा, ठीक है, लेकिन जो भी गाड़ी कंपनी होता है ना वो नॉर्मली उसका स्टेयरिंग वगैरह, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो स्टेयरिंग होता है, ठीक है, गाड़ी के अंदर के जो सीट वगैरह होता है, ठीक है, ये सब चीजें ना, ठीक है, सीट हो, स्टेयरिंग का पार्ट्स हो या फिर स्पेयर पार्ट्स हो, ये सब चीजें कंपनी खुद नहीं बनाती, ठीक है, ये कंपनी किसी और कंपनी को बोलते कि भाई मेरे आसपास में आके बैठ जाओ, ठीक है, मैं तुमको जगह देता हूँ, लेकिन तुम जितना चीजें बनाओगे वो डायरेक्ट मैं ही तुमसे, ठीक है, तो ये टाइप ऑफ एक्टिविटी को एंसिलरी एक्टिविटी बोलते हैं, सो ये रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी है एंड दैट इज व्हाई ये उस बिजनेस का पार्ट भी माना जा सकता है, ठीक है, भले ही टाटा डायरेक्टली उसको कंट्रोल ना करे, भले ही टाटा स्टेयरिंग का बिजनेस डायरेक्टली ना करे किसी और के नाम पे रहे, भले ही टाटा का स्पेयर मतलब स्पेयर पार्ट्स वाला कंपनी जो है वो टाटा का नहीं है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी से वो रिसोर्स कर रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, लेकिन इसे भी अगर वो एंसिलरी एक्टिविटी का पार्ट बन गया ना तो फिर उसे भी बिजनेस का पार्ट माना जाए, तो ऐसा हजारों एग्जाम्पल हो सकता है, बट आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया क्या पॉइंट है ये, ठीक है, सो ऐसे जितना अपना बिजनेस नॉलेज डेवलप करोगे आप धीरे धीरे ऐसा और भी चीजें समझ जाओगे, मे बी मैंने थोड़ा डिटेल्स एग्जाम्पल भी आप थोड़ा और ईजी एग्जाम्पल भी निकाल सकते हो, ठीक है, बट आई होप कि समझ में आ गया, इसलिए क्या कहा एनी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी टू सच ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर एडवेंचर कंसर्न इज ऑल्सो बिजनेस, ठीक है, जैसे एयरपोर्ट वाले नॉर्मली क्या करता है, एयरपोर्ट नॉर्मली किस काम के लिए है, प्लेन उड़ा उड़ना और मतलब उसी के लिए है ना, फ्लाइट का मैनेजमेंट करना, लेकिन आप देखिएगा एयरपोर्ट के अंदर और भी चीजों का बिजनेस होता है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का अर्निंग है, ठीक है, किसी को रेस्टोरेंट बनाने का जगह दे दिया, किसी को कॉफी शॉप बनाने का जगह दे दिया, बट दैट इज नॉट देयर मेन एक्टिविटी, ठीक है, रेल स्टेशन में भी ऐसे रेलवे भी करता है, रेल चलाना उसका काम है, पानी बेचना नहीं, लेकिन रेल नीतीश कुमार जब बिहार में वो जब रेल मिनिस्टर थे, आज वो बिहार का सीएम है, आप लोगों को शायद नहीं पता, बहुत पुराना बात है, तब नीतीश कुमार रेल मिनिस्टर थे, 2002-03 के आसपास का बात होगा मोस्ट ऑफली, उस टाइम पे उन्होंने एक प्लान किया कि भाई लालू यादव नहीं सर, लालू के पहले नीतीश कुमार भी था, लालू के पहले नीतीश कुमार था रेल मिनिस्टर, ठीक है, आप लोग कभी रेल नीर का बॉटल देखे हो, वो नीतीश कुमार ने उस प्रोजेक्ट को लाया था, लालू जी तो दो बार हुआ है रेल मिनिस्टर, ममता दीदी भी दो बार हुआ है, ठीक है, ये वाला रेल नीर वाटर प्लांट ये वाला ऐसा देखने में होता था, ये हर कोई यूज किया होगा, ठीक है, ये ट्रेन ये रेलवे ने बनाया था और ये नीतीश कुमार ने इसको एक्चुअली स्टार्ट किया था, तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्या रेल का बिजनेस था, बाद में भी IRCTC आ गया वो अलग बात, बट
उस टाइम पे आईआरसीटीसी इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, रेल ने उस टाइम पे धीरे धीरे आईआरसीटीसी को बना रहा था, बट मेन एक्टिविटी और साइड एक्टिविटी एंसिलरी इंसिडेंटल एक्टिविटी बोला ना आपको, एग्जाम्पल हजारों निकल जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़े। अच्छा अब कुछ और पॉइंट देखो सर। अच्छा बिजनेस का भी ना टाइप्स होता है, मेनली दो टाइप्स ऑफ बिजनेस होता है। बिजनेस आर बेसिकली, ये नेक्स्ट पॉइंट है सर, डेफिनेशन हो चुका है मैं उसके बाद लिख लूँ। बिजनेस आर बेसिकली टू टाइप्स, दो तरह का बिजनेस। अब एक तरह का बिजनेस और दो तरह का बिजनेस क्या है सर? एक होता है नॉन स्पेकुलेशन, मतलब जिसमें ना स्पेकुलेशन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि जिसमें थोड़ा बहुत जुआ का कैरेक्टर हो या थोड़ा ज्यादा जुआ का कैरेक्टर हो। जुआ मतलब, जुआ इन द सेंस आप जानते हो ना जुआ किसको बोलते हैं, मतलब जो थोड़ा अंदाजा लगाया जाता है, अंदाजा लगा के जैसे लॉटरी, हाँ लॉटरी का बिजनेस जो होता है, ठीक है, ये एक स्पेकुलेशन टाइप ऑफ बिजनेस है। जैसे ड्रीम इलेवन, हाँ ड्रीम इलेवन बहुत कमा रहा है आजकल सर, ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, हाँ किसी किसी स्टेट में इसको बैन भी करके रखा गया है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्पेकुलेशन बिजनेस एंड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, मतलब कौन किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो ये भी होता है। तो बिजनेस का दो टाइप है, एक है नॉन स्पेकुलेशन और दूसरा होता है स्पेकुलेशन। जैसे शेयर मार्केट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह चलता है या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होता है, जो भी स्टॉक मार्केट में जो होता है उस, वो भी स्पेकुलेशन के अंदर ही काउंट किया जाता है, क्योंकि उसमें स्टॉक मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन है सर, ठीक है, स्पेकुलेशन है, मतलब मार्केट किधर मूव करेगा इसको डेफिनेट वे में कहना, मतलब कोई दो चार इंसान का बात नहीं है ना, लाखों करोड़ों लोग ट्रेड करता है, सबका मानसिकता क्या चल रहा है मार्केट के बारे में ये समझना मतलब इतना इजी नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, सब कुछ है, बट ये एक इंटरेस्टिंग एरिया। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि जहां पर स्पेकुलेशन है, ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस को एक अलग जगह में रखा जाता है, नॉन स्पेकुलेशन जिसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है, एकदम डायरेक्ट समझ आ रहा है, ठीक है, कि भाई हाँ भाई मेरा इतना चीजें है, मार्केट में इतना लोग रहता है, इतना लोगों को बेचना है, बस मिल जाएगा पैसा, ठीक है। स्पेकुलेशन बिजनेस में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, प्रॉफिट भी हाई मिल सकता है। नॉन स्पेकुलेशन में ये सब चीजें, मतलब इतना बोल सकता हूँ मैं आपको कि नॉन स्पेकुलेशन में एक स्टैंडर्ड लेवल का प्रॉफिट होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, और लॉस भी बहुत एवरेज कैटेगरी में होता है। बट जो भी हो, बिजनेस इसको दो हिस्से से पार्ट, एक नॉन स्पेकुलेशन, एक स्पेकुलेशन, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे मैंने आपको थोड़ा नाम बताया, बट अगर आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना चाहोगे तो यहाँ पर मैं उसके अंदर भी आपको अलग टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, कितना तरह का बिजनेस है, उसमें स्पेकुलेशन क्या है, नॉन स्पेकुलेशन क्या है। जैसे मैं नोट शेयर करूंगा आप लोगों के पास नहीं है, तो आप एक बार गो थ्रू करोगे। ये स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में देखो, सेक्शन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 28 स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट व्हेन एन एसईसी कैन इज अ स्पेकुलेटिव बिजनेस दैट बिजनेस ऑफ द एसईसी मस्ट बी डीम्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज़ सेक्शन 73 प्रोवाइड्स दैट लॉसेस इन स्पेकुलेशन बिजनेस अनलाइक अदर बिजनेस कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर बिजनेस अदर देन स्पेकुलेशन बिजनेस। मतलब क्यों आपको स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में नॉलेज गैदर करना है, मतलब अगर किसी ने स्पेकुलेशन बिजनेस में मानो लॉस खा गया, ठीक है, तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस को ना कभी भी एक नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस के साथ एडजस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। मतलब नॉर्मली दो सिमिलर बिजनेस, अगर एक नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस मानो आपका कोई ग्रॉसरी का स्टोर, अब ग्रॉसरी स्टोर में स्पेकुलेशन किस बात की, बिग में आ रहा है कि भाई सेल हो जाएगा, बिक जाएगा, इसमें स्पेकुलेशन तो कुछ है नहीं। लेकिन आपका लॉटरी का कोई बिजनेस है, अब लॉटरी बिजनेस का लॉस और ग्रॉसरी बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं होता है, या फिर वाइस वर्सा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चंस करवाएंगे ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। लाइक वाइज लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट अगेंस्ट ऑफ एनी स्पेकुलेटिव बिजनेस। मतलब स्पेकुलेशन के एडजस्टमेंट स्पेकुलेशन के साथ ही करना पड़ेगा, स्पेकुलेशन का एडजस्टमेंट कभी भी नॉन स्पेकुलेशन के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो यही बात कहने के लिए ये पॉइंट लिखा। अब आगे और
जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन कैसा है, मीन्स ए ट्रांजेक्शन इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेस और सेल्स ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक शेयर्स इज ए पीरियडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी और स्क्रिप्ट्स, ठीक है। एक्चुअल नहीं होता, वो बस सेटलमेंट करता रहता है कि भाई इतना स्टॉक में जमा हुआ है इतना हुआ है, ठीक है। वेर एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ कंपनी कंसिस्ट इन द परचेस एंड सेल ऑफ द शेयर्स of the company, such a company shall be deemed to be carrying on speculation business to the extent to which the business consists of the purchase and sale of shares. इसका एक business concept चलता है जो arbitrage का काम होता है इसको, मतलब जिनका काम ही होता है share बेचना खरीदना, ठीक है, ये काम है इनका, ठीक है। तो ये share बेचना खरीदने का जो काम होता है ना, उसमें इनका है ना एक सेटलमेंट प्रॉफिट होता है, इनको आर्बिट्रेज करते हैं कहते हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको आर्बिट्रेज कैसे होता है वो समझाऊंगा, जैसे ये सब जानना जरूरी होता है इवन फाउंडेशन लेवल एग्जाम में भी, स्पेशली सी एस सी एम ए में, ठीक है, आर्बिट्रेज सी एस में भी एंट्रेंस लेवल में आर्बिट्रेज के बारे में पूछा जाता है कि भाई आर्बिट्रेज क्या है बताओ, ठीक है। ये सब भी सी के अंदर पढ़ाया जाता है, कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। ओके चलो सर, ये सुनो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये सब हेजिंग। अब हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, शेयर मार्केट में हेजिंग होता है, ठीक है। अब मुझे थोड़ा अगर मैं ये बताना चालू करूँ तो अभी शेयर मार्केट में डिस्कशन होगा, लेकिन अभी मैं इसको रुकता हूँ, जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं आपको हेजिंग समझाऊंगा, ठीक है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन सेटलमेंट किया जाता है, जो लोग स्टॉक मार्केट में हेजिंग करता है, मतलब एक जगह में पैसा लगा के दूसरे जगह में, मतलब ऐसा होता है सर, एक जगह में बाई करो दूसरे जगह में सेल करो, ठीक है, एक जगह में कॉल लो दूसरे जगह में पुट लो, ठीक है। जो लोग स्टॉक मार्केट जानता है वो समझ गया होगा, आई थिंक ज्योति रोशनी में भी दे नो कि कैसे चलता है हेजिंग। हाँ ज्योति समझ में आ गया आंसर, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, ज्योति को अगर मेरा आवाज आ रहा है तो। यस सर, ठीक है सर, जो लोग स्टॉक मार्केट करता है आई नो तुमको, इनको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन ये हेजिंग अगर मैं आपको मुंह में बोलूँ ना आप समझना थोड़ा मुश्किल है कि क्या है सर, क्या हेजिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सब ना स्पेकुलेशन बिजनेस का एक एक्टिविटी है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ता है इसीलिए, ठीक है। चल मौका मिलते ही बताऊंगा, अभी फिलहाल पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, नॉन स्पेकुलेशन एंड स्पेकुलेशन, अब ये दो तरह का बिजनेस हो गया, आगे बढ़े सर। सर ये इनकम टैक्स हो या जो भी हो, सी एस सी एम ए का, सी एस का पढ़ाई का जो सिलेबस है ना, मतलब इनमें ना बहुत बड़ा एरिया है सर, मतलब आप जितना बात करोगे उतना बात फैलेगा, मतलब बोलते हैं ना रायता मत फैलाओ, बट ये रायता ही है, ये रायता ही है। अब आप फैलाना चाहो तो फैल के इतना दूर तक जा सकता है कि आप वापस ना पाओ, लेकिन इसीलिए तो वास्ट हो जाता है लोगों के लिए। अच्छा आगे बढ़े सर, थोड़ा मैं आपको ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर दिखा दूँ, ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर, ट्रेड मीन्स यू नो दैट, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्स मतलब सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ, जिसके अंदर क्या है आर्टिकल, एक चीजें मेटेरियल सब्सटेंसेस, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। अच्छा मेटेरियल में भी दो तरह का हो सकता है, मूव आर्किटेक्ट मूव करे और मार्केट में, मतलब शायद मूव ना करे बट मार्केट में बिक जाएगा, मूव नहीं करेगा बड़ा मशीन एक जगह से दूसरी जगह में मूव नहीं कर सकता, बट अगर मार्केटेबल है तो फिर वो बिजनेस में आ जाएगा सर, ठीक है। अच्छा ये हो गया बिजनेस रिलेटेड बातें, सर क्या बाकी रह गया, सर थोड़ा प्रोफेशन बता देते हैं ना, इतना बोला तो फिर प्रोफेशन का क्या करती। सर प्रोफेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 कहता है, ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 प्रोफेशंस के बारे में क्या कहता है, तो डिटेल्स में आप बाद में नोट्स में पढ़ लीजिएगा, बट आप आइडिया लेके जाओ।
जैसे प्रोफेशनल्स हो, आप ही जो प्रोफेशनल हो सर, प्रैक्टिसिंग सी ए सी एस आई सी डब्ल्यू ए, मतलब तो आई सी डब्ल्यू नहीं बोलते, सी एम ए, ठीक है, डॉक्टर, हाँ, लॉयर, लॉ प्रोफेशनल्स, ठीक है, और क्या है, अच्छा इसमें ये सब आपको समझ में आ गया ना, जो प्रैक्टिसिंग होते हैं सर, जॉब करने से क्या प्रोफेशनल होगा, नहीं सर, तब तो वो सैलरी क्वेश्चन हो जाएगा, उनका इनकम जो सी ए जॉब करता है, ठीक है, जो सी एस जॉब करेगा, जो सी एम ए जॉब करेगा, वो तो सैलरीड एक्टिविटी में आ जाएगा ना सर, लेकिन जो बंदा प्रैक्टिस करता है, ठीक है, जो मतलब ट्रेडिशनल जो रोल प्ले है सी एस सी एस सी एम ए का, जो ट्रेडिशनल रोल प्ले है, आजकल तो सर सी ए इंजीनियर भी बनता है, मतलब जानते हो, मतलब अगर आपको मतलब टेक्नोलॉजिकल सेंस भी हो, अलग विद दैट आपका कॉमर्स का सेंस बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली सी एम ए सी ए बंदा जो है उसका कॉमर्स का सेंस सबसे बढ़िया होगा, है ना, तो अगर आपको थोड़ा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आ जाए तो आपसे आपको इंजीनियर भी बना जा रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल इंजीनियर, कैसा करेगा ये लोग फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, थोड़ा प्रोडक्ट वाइज भी होता है स्टॉक मार्केट लेवल में, म्यूचुअल फंड लेवल में, लेकिन अगर आप लोग मानो एकदम हार्ड कोर, जैसे मानो टैली सॉफ्टवेयर बिल्डअप कर रहा है, ए सी पी बिल्डअप कर रहा है, ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर बिल्डिंग में भी ना सी ए सी एम ए का बड़ा रोल प्ले हो रहा है, बिकॉज दे नो, मतलब देखो जो कोडर होता है ना उनको तो नहीं पता कि भाई अकाउंट्स कैसे काम करता है, अकाउंट्स कैसे काम करता है वो सीए को पता है, सीएमए को पता है ना, सीएस को पता है, सो वो लोग क्या करेगा, वो कोडर को हेल्प करेगा, ठीक है, कि भाई आप भी करो, साथ में अगर उसको भी कोडिंग का नॉलेज आ जाए तब जाके एक सॉफ्टवेयर बनता है, तब जाके एसएपी बनेगा, तब जाके क्विक बुक बनेगा, तब जाके टैली बनेगा, ठीक है, और डे बाई डे डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, आजकल तो बड़े बड़े कंपनी सर मार्केट में क्या है वो नहीं देखता, वो अपना कस्टमाइज करता है, ठीक है, और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने वाले कंपनीज के पास इस तरह का लोग काम करते हैं, तो जिसको इंजीनियरिंग में भी थोड़ा शौक हो तो वो अपना प्रोफेशन उधर भी शिफ्ट कर सकता है, बट ये आपको मैं मॉडर्न आइडिया दिया, बाकी सब अपना अपना खेल है, टैक्स सॉफ्टवेयर में बहुत आजकल चल रहा है सर, ठीक है, जैसे क्लियर टैक्स वाला एक कंपनी आ गया ना, क्लियर टैक्स है, जोहो बोल के एक कंपनी है, बहुत सारा कंपनी आ गया है, जोहो, क्लियर टैक्स, और एक कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी बड़ा पॉपुलर है, ठीक है, याद आने से बताएंगे सर, तो प्रोफेशंस में सी ए सी ए सी एम ए, डॉक्टर, लॉयर, अच्छा इसमें एक बात है सर, कि सर प्रोफेशन में ना एक चीज इंक्लूड करना, प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन, मींस सर प्रोफेशनल्स और वोकेशनल्स में क्या फर्क सर, जिसके अंदर ना स्पेशल स्पेशल होते हैं, जो बहुत स्पेशल होते हैं, इनको सुनने वाले बहुत होते हैं, जैसे कि सिंगर बोलते हैं ना हम लोग, प्रोफेशनल सिंगर है, फीस लेके गाना गाते हैं, है ना, फीस लेके डांसिंग करते हैं, शो करते हैं लोग, पेंटर, है ना, एक्टर, ठीक है, इस तरह का स्पोर्ट पर्सनालिटी जो है हमारे देश में, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं सर, वो जॉब करते हैं कि प्रोफेशन चलाते हैं, लाइक क्रिकेटर, अगर मैं स्पोर्ट्स में बात करूं तो क्रिकेटर, इनका क्या होता है, क्या इनको वोकेशन में डाला गया है, एनी आइडिया सर, क्या क्रिकेट को वोकेशन में डाला जा सकता है, जो क्रिकेटर होते हैं, हाँ सर, सर बीसीसीआई सैलरी देता है इनको, इंडियन क्रिकेट प्लेयर का सैलरी होता है, ठीक है, वो सैलरी बीसीसीआई इनको प्रोवाइड करता है, ऐसे देखने में ये वोकेशन ही है, कोई अगर शौक से खेलेगा, जैसे कि ए ग्रेड प्लेयर को 7 करोड़ देता है, ए को 5 करोड़ देता है, ग्रेड बी में 3 करोड़, ग्रेड सी में 1 करोड़, इस तरह से इनका मतलब सैलरी सैलरी का इनके बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है, तो ऐसे साउंड लाइक वोकेशन, यस कुछ लोग वोकेशनल काम करते हैं, कुछ लोग सर इसे हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं खेल खेलना, हिंदी या बंगाली में हमारे एरिया में बोलते हैं, भाड़े पे खेलने जाते हैं ना सर, आप लोग शायद जानते होंगे, मैं भी बचपन में थोड़ा बहुत जाता था, ठीक है, लेकिन घर पे डांटता था बोल के अपना नहीं, तो उसमें क्या होता था, अगर आप खेलने जाओगे, अगर किसी दिन के लिए खेलोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, पर डे 500 1000 डिपेंड करते हैं कितना बड़ा टूर्नामेंट है इसके ऊपर, तो वो वोकेशन में ट्रीट हो सकता है बिकॉज वो सैलरी नहीं है, लेकिन जब आप परमानेंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे, ठीक है,
वो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में चलता है। तो वोकेशन इंक्लूड सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, दिस आर दिस काइंड ऑफ, ठीक है। तो इनका भी अर्निंग को प्रोफेशनल्स की तरह ट्रीट किया जाए। सर ये था एकदम बिजनेस रिलेटेड कुछ बेसिक बात, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग टफ रिलेटेड टफ मैटर में आ जाएंगे सर, जो दिमाग खाने वाला है। ये तो स्टोरी है। अच्छा जैसे मानो, और एक बात सर, कंपलसरी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, जानते हो सर। तब बिजनेस करने से हर बिजनेसमैन को नहीं, कंपलसरी टैक्स ऑडिट होता है। इसका डिटेल्स डिस्कशंस करने वाला हूँ मैं 44AB में, ठीक है। देयर इज अ पॉइंट 44AB जिसमें टैक्स ऑडिट होता है। ऐसे बहुत सारा सेक्शन अंदर में पढ़ेंगे, बट आपको बस एक छोटा सा आइडिया देना होगा इंट्रोडक्शन में। इसमें आपको टैक्स ऑडिट रिलेटेड में 44AB में बात करूंगा। ये वाला मैंडेटरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन, कौन करेगा सर? प्रैक्टिसिंग ऑडिटर, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। प्रैक्टिसिंग CA ऑडिटर जो होते हैं सर, उनसे आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। किसके लिए? अगर आप इनके सब पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर आप बिजनेस चलाते हो तो आपके लिए जो रूल्स हैं, अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होता है ना किसी पिछला प्रीवियस ईयर में, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, जैसे मान लो अगर आप 21-22 का टर्नओवर अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करवाओ, ठीक है। ऑडिट करवाओ, बिना ऑडिट का टैक्स पेमेंट नहीं होगा आपका, ठीक है। बिना ऑडिट का टैक्स पेमेंट नहीं होगा बिकॉज आप बहुत ज्यादा कमाते हो, और बहुत ज्यादा कमाते हो मतलब घोटाला कर सकते हो। तो सरकार को डर है, ठीक है, जो ज्यादा कमाते हैं वो घोटाला कर सकता है। तो सरकार को डर है, इसलिए सरकार ऑडिट मैंडेटरी करके रखा है। और ये ऑडिट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड ही करेगा, ठीक है। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड जो ऑडिटर है वो ही करेगा, और मास्ट है, एकदम मास्ट है सर, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होने से करना पड़ेगा। सो इसका थोड़ा लंबा है, नॉट जस्ट 1 करोड़, और भी इसका हिसाब है। इफ द टोटल सेल्स और टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसीव्ड इन बिजनेस ग्रेटर देन 1 करोड़ इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो टैक्स ऑडिट करवा दो। The requirement of audit under section 41AB does not apply to a person who declare profit or gain on presumptive basis. आगे चर्चा करेंगे presumptive क्यों, कौन आता है जो accounts maintain नहीं करता, वो presumptive system से करता है 44AD में। सर थोड़ा सा रुक जाओ, अभी इतना बोलेंगे नहीं, ठीक है। And his total sales or turnover or gross receipt does not exceed 2 crore, ठीक है। और जिसका account maintain नहीं होता, जिसका gross receipts or turnover 2 crore से ज़्यादा नहीं होता, उनको करवाने का जरूरत नहीं है। प्रिजम्प्टिव उनके लिए है जो छोटा, मतलब मीडियम टाइप ऑफ बिजनेस है, स्मॉल से मीडियम टाइप ऑफ बिजनेस, अकाउंट्स मेंटेन का काम नहीं करवाता है, ठीक है। तो उनको ना एक 6% 8% के हिसाब से टैक्स लंप सम में देने का एक प्रोविजन है। अभी चर्चा नहीं करेंगे सर 44AD, अब दिमाग खराब हो जाएगा फालतू में, ठीक है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऑडिट किसको करवाना पड़ता है, इसका एक आइडिया दे रहा हूँ। इफ इन सच ए पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस जिसका एग्रीगेट कैश रिसिप्ट, ठीक है, इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज लेस देन 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, ठीक है। तो अगर किसी का कैश रिसिप्ट ज्यादा होता है तो फिर उन्हें भी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। इफ इज टोटल सेल्स और टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन बिजनेस 10 करोड़ से ज्यादा, अगर आपका 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होता है ना, तब भी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। मतलब ऑडिट CA से ऑडिट करवाओ और तब जाके रिटर्न फाइल हो, नहीं तो रिटर्न फाइल कैंसिल कर देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप प्रोफेशनल हो, ठीक है, इन केस ऑफ ए प्रोफेशंस, इन केस ऑफ पर्सन कैरिंग अ प्रोफेशंस, प्रोफेशनल कौन है अभी आपको दिखाया, अभी शो किया ना कि कौन कौन प्रोफेशनल्स होते हैं। इन केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन इफ हिज ग्रॉस रिसीप्ट इन प्रोफेशन ग्रेटर देन 50 लाख इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, अगर आपका 50 लाख से ज्यादा का अगर आपका रिसिप्ट है, ग्रॉस रिसिप्ट बोलते हैं, प्रोफेशनल्स में टर्नओवर नहीं होता, ठीक है। प्रोफेशनल जो होते हैं ना वो फीस लेता है ना, तो फीस में रिसीप्ट होता है, ग्रॉस रिसीप्ट, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ बेचना खरीदना नहीं पड़ता, वो बस अपना स्किल को यूज करके लोगों से कंसल्टेंसी फीस लेता है, या अकाउंट्स का नॉलेज को यूज करके अकाउंट्स प्रिपेयर करके देता है, ठीक है। वो फीस चार्ज करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, किसी को कंपनी बनाने का प्रोसेस का हेल्प करके उससे फीस लेता है कि भाई ठीक है आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, बदले में मेरा इतना चार्जेस, ठीक है। आपका अगर कंपनी बनाने में 50,000 खर्चा है तो मैं आपसे इतना परसेंटेज लूंगा। CS वाले ऐसे करते हैं, CMA वाले भी टैक्स का काम करते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स का ये सिस्टम होता है सर, इसलिए उनको ग्रॉस रिसीप्ट कहते हैं। लॉयर अपना कंसल्टेंसी देता है, बदले में चार्जेस लेता है। तो इसे इसीलिए
इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रॉस रिसिप्ट। 50 लाख से ज्यादा का हो तब ऑडिट करवाना पड़ेगा सर, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसका थोड़ा और भी डिटेल्स चर्चा है अभी, ठीक है, मतलब और भी कुछ पॉइंट्स कनेक्टेड एडिशनल पॉइंट्स है, बट नॉट नाउ। ठीक है, आना पड़ेगा, ऐसे भी आना पड़ेगा, कभी आना तुम मेरी गली। मतलब कौन बोल रहा है ये, 44AD बोल रहा है कि भाई कभी आना तुम मेरी गली। तो कंपल्सरी टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, ठीक है, अंडर सेक्शन 44AB, जिसके तहत अगर आप बिजनेस हो, मैं एक नॉर्मल बात अभी लिखा रहा हूँ, एक्सटेंडेड बात को बाद में लिखाऊंगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो क्रॉस रिसीप्ट और सेल्स और टर्नओवर, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 करोड़ है तो 44AB से टैक्स ऑडिट करवा लो, नहीं तो फंस सकते हो। ठीक है, इनकम टैक्स वाले रेड करता है ना, एकदम गला पकड़ता है, गर्दन लेके भागता है ना। आजकल डर हो गया है, आजकल तो इनकम टैक्स के साथ साथ ED आ गया सर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। हाँ, ये लोग तो कहाँ कहाँ, इनके पास इतना छूट है ईडी के पास, आप लोग देख रहे हो बंगाल में चल रहा है। ठीक है, कोई बोलेगा सर पॉलिटिकल बदला बदली चल रहा है, वो अलग बात है, पॉलिटिकल सारा चीज ही पॉलिटिकल है, कौन से चीज पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिकल अदला बदली जब जो पावर में होता है वो जरूर करना करेगा और करना भी चाहिए, लेकिन एक बात देखो आप, पॉलिटिकली हो या किसी और रीजंस पे हो, लेकिन जिसे पकड़ रहा है उसे क्या निकल रहा है। ठीक है, मतलब इलीगलिटी का हद होता है सर, पर हद से ज्यादा चल रहा है। सो 1 करोड़ से ज्यादा अगर है तो ऑडिट करवा लो, ठीक है। अच्छा, नहीं करवाने से फाइन होगा, पेनल्टी बाद में बोलेंगे ऐसे डिटेल्स। अच्छा, प्रोफेशन केस में क्रॉस रिसिप्ट ग्रेटर देन 50 लाख, ठीक, मैं आपको भी नॉर्मल बात लिखा है, लेकिन यही एनफ नहीं है 44AB का, 44AB इससे भी ज्यादा है। सो बाद में इसका डिटेल्स होगा, लेकिन इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि बिजनेस क्या है, बिजनेस में इनकम कौन कौन करता है, प्रोफेशनल कौन होते हैं, और उनका टैक्स ऑडिट कब जरूरी होता है। सर जो इनकी मतलब 1 करोड़ के नीचे ऑडिट नहीं करवाना, नहीं सर ऑडिट नहीं करवाना है, आप अपने टैक्स चुपचाप जमा कर दो, ऑडिट करवाने के लिए सरकार आपको नहीं पकड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये रहा बिजनेस रिलेटेड कुछ बेसिक बातें, प्रोफेशनल रिलेटेड कुछ बेसिक चर्चा। अब चर्चे में क्या होगा, अब चर्चे में थोड़ा दिमाग खराब, दिमाग क्यों खराब होगा, क्योंकि मैं आपको अभी जो लिखाने वाला हूँ ये थोड़ा सा मोनोटोनस है, लेकिन क्या करें सर, अब आज तो थोड़ा मोनोटोनस होगा क्योंकि आज मैं आपको प्रोफार्मा बताऊंगा। ठीक है, प्रोफार्मा में आपको PGDP का कैलकुलेशन कैसे करना है वो थोड़ा मैं लिखा देता हूँ। ठीक है सर, लिखाने से क्या होता है सर, एग्जाम टाइम में ना अगर आप लिखोगे तो याद रहेगा, क्योंकि प्रोफार्मा लिखो सर, लिखो प्रोफार्मा, लिखो हेडिंग करो सर, सर आप लोग लिख रहे हो ना, लिखना भूलना नहीं। एक स्टूडेंट उस दिन बोल रहा है कि उसके पास कोई भी नोट्स नहीं है। ठीक है, तो मैं बोला नोट्स क्यों नहीं है, बोले सर मैंने लिखा नहीं। अब क्या बात करते हो सर, इतना सारा चीज लिखाया जाता है और आप बोलोगे, स्पेशली मैम का प्रैक्टिकल क्लास, उसमें अगर कोई अकाउंट्स लिखेगा नहीं, कॉस्टिंग लिखेगा नहीं, तब तो बंदा फंसेगा सर। हाँ बिल्कुल फंस जाएगा, एग्जाम टाइम में वो तो आसमान से टपकेगा, खजूर पे लटकेगा। चलो सर लिखो लिखो, अपने हाथ से लिखा हुआ चीज ना एग्जाम में ज्यादा याद आता है, पता है आप लोगों को, ये साइंस है। साइंस का मतलब सत्य ज्ञान, जो आपने हाथ में लिखोगे वो याद रहता है, ज्यादा याद रहता है, और सिर्फ किताब से पढ़ा हुआ चीज याद रहने का चांसेस कॉम्पिटेटिवली लो। प्रोफॉर्मा फॉर कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम, अंडर द हेड प्रॉफिट्स and gains of business and profession. ठीक है, ये मैंने हेडिंग कर दिया। इसमें आप लोग एक काम करो, एक पर्टिकुलर बना दीजिएगा,
दो कॉलम बना दीजिए अमाउंट का। सर अभी तो मैं कोई अमाउंट आपको लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये तरीका है, इसलिए लिखने के लिए जरूर बोलूंगा। अब देखो सर, पीजीपीपी में, पीजीपीपी जो है ना सर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये ना एक अलग टाइप का हिसाब किताब है इसमें टैक्स में। इसमें बंदा जो टैक्स कैलकुलेशन करके सरकार के घर में जमा करते थे, जैसे मैं आपको अभी क्या बोला, टैक्स ऑडिट करवाने का बात का, अभी आपको मैं बोला ना टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट का क्या मतलब होता है? ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, ऑडिट का मतलब होता है चेक करना। अब चेकिंग जब ऑडिट करते हैं तो क्या चेक करेगा, बात समझे सर, जब ऑडिटर चेक करेगा तो क्या चेक करेगा, ये बड़ा बात है सर। क्या वो अकाउंट्स चेक करेगा? सर टैक्स ऑडिट का बात हो रहा है तो अकाउंट्स क्यों चेक करेगा? जब बात टैक्स ऑडिट का होता है तो अकाउंट्स क्यों चेक करेगा? अकाउंट्स चेक नहीं करेगा सर, वो चेक करेगा कि वो जो बिजनेस का जो अकाउंट्स मेंटेन किया है, जिसके ऊपर मतलब उसका कैलकुलेशन करके वो टैक्स पे करता है। तो एक बिजनेसमैन टैक्स कहां से पे करता है? एक बिजनेसमैन का टैक्स कहां से पे होता है? सर प्रॉफिट से। बंदा प्रॉफिट करेगा तब टैक्स देगा, लॉस पे टैक्स वो नहीं देता है, लेकिन लॉस का एडजस्टमेंट करता है। तो पॉइंट इज दैट कि सर ये पीजीपीपी का जो कैलकुलेशन टेक्निक है, ये टेक्निक तो मैं आपको इसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको क्लैरिटी से समझ में आ ही जाएगा, बट क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा इसका तरीका बता रहा हूँ, मतलब क्यों ऐसा करना पड़ता है। सर एक्चुअली जब एक ऑडिटर के पास बिजनेसमैन अपना डिटेल्स लेके जाएगा कि भाई देखो मेरा ये प्रॉफिट रहा, मैं अपने अकाउंटेंट से मेरा टैक्स कैलकुलेशन करवा के रखा, लेकिन ऑडिटर क्या देखेगा कि उसने जो टैक्स कैलकुलेशन करवा के रखा, इसमें सबसे पहला इंफॉर्मेशन होता है सर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अपने पीएल में मेंटेन करेगा, ठीक है? बंदा अपना अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करेगा, हाँ या ना सर? बिल्कुल हाँ, है ना? तो जो बंदा अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, अकाउंट्स मेंटेन करके आपका पीएल बना रहा है, ठीक है? जैसे किसी भी कंपनी का चेक करो, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको बैठे बैठे पीएल तो बनाना ऐसे सिखाऊंगा, मुझे सिखाना पड़ता है, मतलब नॉट एज पर अकाउंट्स, तो मैम सिखाएंगे आप लोगों को डिटेल्स में, बट मैं जस्ट आपको किसी कंपनी का कोई एनुअल रिपोर्ट वगैरह चेक करने से आपको समझना चाहिए, कंपनी का देख लो, या फिर आप किसी कंपनी का, किसी नॉर्मल बिजनेस का भी देख लो, आप चेक कर सकते हो इसमें। जैसे ये एनुअल रिपोर्ट है अदानी का, ठीक है? अभी अदानी के एनुअल रिपोर्ट में अगर आप जाओगे तो अदानी को भी आप देखोगे, वो भी अपना रिपोर्ट बना के रखा है, और रिपोर्ट में पीएल बैलेंस शीट सारा चीज बना के रखा है। ये देखो सर, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे ये देखो बैलेंस शीट है, थोड़ा और नीचे आ जाओगे ये देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल है। अब पीएल स्टेटमेंट में आप देखोगे तो इसका नेट प्रॉफिट भी आपको नजर में आएगा, ठीक है? तो सिमिलरली ये कंपनी है तो कंपनी की तरह बनाता है, कोई सोल प्रोपरेटर फार्म है तो सोल प्रोपरेटर फार्म की तरह बनाएगा, है ना सर? ये देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, और ये रहा, ये रहा, ये रहा items that would be tax वगैरह सारा, PBT, ये देखो PBT, ठीक है? Income tax impact, net loss gain, ठीक है? सारा हिसाब आपको दिख जाएगा। तो ये सब accounts का part है। अब मैं ज्यादा details में तो नहीं जाऊंगा, बस आपको इतना कहना जरूर चाहूंगा कि सर कंपनी अपने accounts maintain करके अपना profit को निकाल के रखता है, ठीक है? या normal छोटा सा छोटा business भी अपने accounts को बना के रखता है। अब जो भी accounts वो बनाता है उसके बाद ही ये टैक्स मतलब पीजीबीपी का काम होता है एक्चुअली, क्योंकि वो जो अकाउंट्स बिल्डअप करेगा वहां से जो पीएल में जो उसका प्रॉफिट दिखेगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है, एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, वो प्रॉफिट वो यहाँ पर देगा, ठीक है? जिसको यहाँ पर ए बोल के मेंशन किया गया है, डजंट मैटर। बट आप बात पे ध्यान दो, अब ऑडिट के टाइम पे क्या चेक करना पड़ता है? आप भी एक ऑडिटर की तरह ही काम करोगे कि वो जो कुछ भी प्रॉफिट दिया है, अब प्रॉफिट के अंदर ना कुछ चीजें ऐड करना पड़ता है और कुछ चीजें लेस करना पड़ता है सर। जैसे कि ध्यान से बात को सुनिएगा सर, अब बिजनेसमैन जब मैं आपको नॉर्मल पीएल शो करता हूँ, नॉर्मल पीएल में दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज योर एक्सपेंसेस साइड, है ना सर? टू एक्सपेंसेस, है ना? आप बिजनेस में अलग अलग एक्सपेंस करते हो,
और इधर आप बिजनेस में अलग अलग इनकम करते हो, बाय इनकम और सेल्स। क्या मैं सही कर रहा हूँ? देख मैं अकाउंट्स बहुत दिन नहीं किया, अगर मैं भूल भाल कर रहा हूँ तो बताना, ठीक है सर? क्या होता है नॉर्मल पीएल में, क्या होता है सेल्स इनकम वगैरह सब मिलके, ठीक है, ये इधर ऐड हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। फिर अगर मानो कि इनकम साइड मेरा ज्यादा है, एक्सपेंस साइज मेरा कम है, तो मेरे को क्या मिलेगा सर? इनकम अगर ग्रेटर देन एक्सपेंस है तो क्या मिलेगा मुझे? बोलो सर। सरप्लस। अच्छा वो एनपीओ के केस में सरप्लस बोलते हैं, तो नॉन प्रॉफिट वाले बिजनेस करते हैं ना, उनके केस में सरप्लस बोलो, बट अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो नेट प्रॉफिट बोलेंगे। सिंपल क्या है सर? फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट। अब प्रॉब्लम यही पर है सर, आप एक छोटा सा चीज का जवाब देना मुझे, क्या एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा? टैक्स ज्यादा दे सकता है? तो टैक्स ज्यादा देना पसंद करेगा और कम देना पसंद करेगा? नहीं देना ऐसा तो नहीं कर पाएगा। अगर वो टैक्स देता रहता है ना, उसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो टैक्स नहीं देता है ना, तो फिर छापा मार हो जाएगा, ठीक है, रेट हो जाएगा, मतलब टैक्स तो देगा, लेकिन उसका हमेशा हाँ बोलो सर, टैक्स इवेशन हो ना था। टैक्स इवेशन तो ऑब्वियसली टैक्स इवेशन हो जाएगा, एकदम बेसिक्स का बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात सुनो सर, वो चाहेगा हमेशा टैक्स को कम दिखाना, ठीक है। अब टैक्स को कम दिखाने के लिए वो क्या पीएल में क्या घोटाला कर सकता है? वेरी गुड सर, वो एक्सपेंस को ज्यादा कर सकता है, या फिर ऐसा ऐसा एक्सपेंस को बिजनेस में इंक्लूड कर देगा जो पीएल में जगह ही नहीं होना चाहिए। मतलब टू एक्सपेंस बोल के ऐसा ऐसा एक्सपेंस दिखा देता है जो बिजनेस का खर्चा ही नहीं है। से फॉर एग्जांपल घर के लिए अपने बच्चे के शादी में खर्चा किया, मैरिज एक्सपेंस मानो 10 लाख का किया, 10 लाख का मैरिज एक्सपेंस को अपने बिजनेस में शो कर दिया, लेकिन ऐसा कोई खर्चा उसने बिजनेस के लिए किया ही नहीं। और हर एक बिल चेक करना बहुत पॉसिबल नहीं होता है ना। जब आप लोग ऑडिट के लिए जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा, या तो आप एक्सटर्नल ऑडिट में जाओगे, इंटरनल ऑडिट में जाओ, वहां पे बिल का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर बड़ा घोटाला है ना, तो बड़ा बिल अमाउंट को चेक किया जाता है कि भाई 1000 रुपीज वाले जितना बड़ा बिल है वो सब देखो, बिल के अगेंस्ट में कंप्यूटर में एंट्री देखो, और कंप्यूटर के एंट्री के हिसाब से अकाउंट्स में जर्नल में एंट्री हुआ है कि नहीं देखो। मैं आपको नॉर्मल ऑडिट बताता हूँ, ठीक है, जो एक चार्टर्ड फर्म ऑडिट जब करते हैं, कॉस्ट फर्म जब अपने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में करता है, तो उसके हिसाब से वो सारा एंट्री चेक करता है। तो बात एकदम बिल्कुल है सर कि ऑडिट करने के टाइम पे ये छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन भी बहुत मायने रखता है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर ना उसके बारे में उतना डिटेल्स नहीं जा रहे हैं। मैं बस आपको इतना कहना चाहता कि बंदा क्या चाहता कि वो पीएल में ऐसा ऐसा एक्सपेंस शो कर देगा जो एक्सपेंस के कारण उसका प्रॉफिट, अगर मानो 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला था, तो उसको कम करके अगर वो ऐसे अगर 12 लाख, मानो प्रॉफिट 12 लाख होता है, तो 12 लाख प्रॉफिट में उसका टैक्स अमाउंट बढ़ जाएगा ना। टैक्स रेट क्या है आप सोचो एक बार, अप टू 2.5 लाख नील है, ग्रेटर देन 2.5 to 5 लाख 5% है, ग्रेटर देन 5 लाख 2-10 लाख एट द रेट 20% है, और ग्रेटर देन 12 लाख एट द रेट 30% है ना, सॉरी ग्रेटर देन 10 लाख आई एम सॉरी ग्रेटर देन 10 लाख एट द रेट 30% है। तो अगर उसका प्रॉफिट अमाउंट 12 लाख का है, मतलब वो 30% स्लैब तक उसको आना पड़ेगा, मतलब उसका इनकम टैक्स पेमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन वो कैसे पे करके अगर इस प्रॉफिट को 12 से 10 के नीचे लाएगा, तो उसका लास्ट स्लैब यही रहेगा, 20% स्लैब में ही उसको खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो कोशिश गलत तरीके से करेगा, मतलब ऐसा ऐसा खर्चा इंक्लूड कर देगा जो खर्चा उसका है ही नहीं, जो बिजनेस में शो करने लायक है ही नहीं, ठीक है, ऐसा खर्चा वो इंक्लूड नहीं कर सकता।
और ऐसा इनकम भी वो नहीं दिखा सकता जो उसका बिजनेस इनकम है नहीं, ठीक है? मतलब आप ऐसा इनकम यहाँ पर शो करो, जैसे मानो डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम आपका बिजनेस इनकम नहीं होता, वो अदर सोर्स इनकम होता है, ठीक है? जैसे मानो आपने हाउस प्रॉपर्टी से रेंट से कमाया, तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट का इनकम आपका बिजनेस इनकम नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे वेरियस काइंड ऑफ एग्जाम्पल हो सकता है जो आपको आगे आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा। ऐसे मैं प्रोफार्मा में भी ऐसा बहुत सारा पॉइंट उठाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगा, ठीक है? तो बेसिकली जब ये ऑडिट किया जाता है या फिर जब आप इनकम टैक्स में पीजीपीपी का कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं उसमें मेनली आपको प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो लोग अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किए हो सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आपको कुछ वैसा फीलिंग भी आ सकता है, ठीक है? एड लेस वाला सिचुएशंस, ठीक है, एड लेस वाला सिचुएशंस या फिर रिवर्स एंट्री जैसे रेक्टिफिकेशंस में किया जाता है। सो इट्स लाइक दैट, ये बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ठीक है? आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेगा ना, आप जब भी क्वेश्चंस करते जाओगे आपको सिमिलर फीलिंग्स ही आएगा कि जैसे आप रेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है? तो मेनली वही है कि आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि एक बिजनेसमैन प्रॉफिट के साथ क्या ऐड कर सकता है और क्या ऐड नहीं कर सकता, ठीक है? तो जो ऐड कर सक जो ऐड करना चाहिए बट बंदा ने किया नहीं, ठीक है, जो खर्चा ऐड करना चाहिए बट उसने किया नहीं तो उसे ऐड करो, जो ऐड नहीं करना चाहिए पर आपने ऐड कर दिया तो उसे बाहर निकालो, ठीक है? जो इनकम ऐड नहीं करना चाहिए आपने ऐड कर दिया, ध्यान से, बड़ा सिंपल बात है, जो आपका बिजनेस का इनकम नहीं है आपने शो करके रखा उसे बाहर निकालो, जो इनकम होना चाहिए पर आपने दिया नहीं उसको ऐड कर दो, तो बेसिकली जो होना है उसको टच नहीं कर रहा है, तो सिंपल बात है, अलाउड जो है उसको टच नहीं करना है, अलाउड डू नॉट टच, क्योंकि जो अलाउड है उसको लेके हम लोग को कुछ करना नहीं है, लेकिन जो अलाउड नहीं है उसको ऐड लेस करना पड़ेगा प्रॉफिट के साथ, ठीक है? अब चलो प्रोफार्मा लिखो, आपको ये सारा पॉइंट एक एक करके समझ में आ जाएगा, ठीक है? यही पीजीबीपी का मतलब जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? मतलब जो पीजीपीपी का जो एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है ना, ये ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, जैसे पीजीपीपी से और भी सवाल जवाब हो सकता है, बट ये बड़ा ट्रेडिशनल टाइप क्वेश्चन है, मतलब सदियों से चले आ रहे हैं, ऐसा होता है ना, सदियों से चले आ रहे हैं, वही बात है सर, यहाँ पर एक काम करता हूँ सर, सबसे पहले मैंने नेट प्रॉफिट को लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, ठीक है? अब एज पर पीएल अकाउंट जो भी मेरा नेट प्रॉफिट होगा उसको मैं डायरेक्टली बाहर में लिख देता हूँ रुपीज, ठीक है? अब जो भी अमाउंट हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो, 5,000 हो, 10,000 हो, फर्क नहीं पड़ता, बट आपको जो चीज अभी यहाँ पर ध्यान देके करना पड़ेगा वो है सर कि आप कुछ आइटम को ऐड करो, कुछ आइटम को लेस करो। अब देखो, कोई पहले लेस कर सकता है, बाद में ऐड कर सकता है, वो अपनी मर्जी से कर सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन मेन बात है ऐड आइटम को ऐड करना, लेस आइटम को लेस करना, तभी जाके आपका रेक्टिफिकेशन कंप्लीट होता है। हेडिंग करो एक्सपेंसेस, एक काम करते हैं इसको ना मैं ग्रीन से लिखता हूँ, तो फिर एडिशन वाला पॉइंट समझ लो, ग्रीन लाइक ऐड, और रेड से उसको मैं डिडक्ट करूंगा, लेस आइटम को मैं ग्रीन से करूंगा, रेड से करूंगा, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस डेबिट, मतलब डेबिटेड, ठीक है? डियर डॉट, तो मैं पूरा लिखता हूँ, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट अलाउड या नॉट अलाउबल। बात को ध्यान से सुनना, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पीएल में आपने उसको डेबिट दिखा दिया, मतलब खर्चा कर दिखा दिया उसको आप, ठीक है? पीएल डेबिट मतलब क्या, नॉर्मल हम लोग पीएल में एंट्री क्या करते हैं, हम लोग अकाउंट तो सर ही कोई जानते हो सर, जब हम लोग पीएल में लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर जस्ट दिखा रहा हूँ, पीएल डेबिट का मतलब जब किसी भी एक्सपेंस को, जैसे टू बैड डेबिट बोल के आपने दिखाते हो, है ना,
तो टू बैड डेट अगर बिजनेस का जेन्युइन खर्चा है तो इसको आप जरूर दिखाओ, ठीक है। टू एलआईसी प्रीमियम, अब मुझे बताओ कि टू एलआईसी प्रीमियम आपका बिजनेस का खर्चा है क्या? बोलो सर। नो सर, एलआईसी प्रीमियम आपका पर्सनल खर्चा है, जिंदगी का बीमा कर रहे हो आप, जिंदगी का बीमा जो है वो आपका पर्सनल है, वो बिजनेस के साथ कनेक्शन नहीं है। हाँ, अगर बिजनेस का कोई फायर इंश्योरेंस भरते हो, ठीक है, मेरिट इंश्योरेंस भरते हो, उसमें आप जरूर खर्चा दिखा सकते हो। सीधी सीधी बात है सर, बिजनेस का नॉलेज बढ़ाओ तो समझो एकदम क्लियरली आ जाता है कि जो बिजनेस का खर्चा है वो अलाउड है, जो बिजनेस का खर्चा नहीं है वो डिसअलाउड है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या बताता है, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट, ठीक है, ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, ऑलरेडी डेबिट हो चुका है बट हम उसे डेबिट नहीं दिखा सकते, ठीक है, तो उसको डिसअलाउड करना है। ओके, अब इसको शो कैसे करना है, अब आइटम तो लिखो पहले। अच्छा, कुछ ऐसे आइटम भी होते हैं सर, डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सर अकाउंट्स के साथ इनकम टैक्स का झगड़ा है, सर क्या बात कर रहे हो। हाँ सर, अकाउंट्स वाले के साथ इनकम टैक्स वाले का झगड़ा, इनकम टैक्स वाले डिप्रिसिएशन अपने हिसाब से चार्ज करवाते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स वाले डिप्रिसिएशन अपने हिसाब से चार्ज करवाते हैं, तो आप अकाउंट्स वाला डिप्रिसिएशन को डेबिट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए क्या बोला, एक्सपेंसिस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट अलाउड, ठीक है, तो क्योंकि आपने डिप्रिसिएशन तो शो किया था अकाउंट्स में, लेकिन इनकम टैक्स का भी अलग से डिप्रिसिएशन होता है, एक पूरा इस पीजीपीपी में मैं मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट क्लास या सेकंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिप्रिसिएशन के ऊपर अलग से लेक्चर देने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिप्रिसिएशन में होने वाला है, उसमें पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट्स का पूरा चार्ट होता है सर, कि कौन से एसेट्स पे क्या डिप्रिसिएशन रेट है, आपको वो रेट लेके चलना पड़ता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन पीएल तो अकाउंट्स के हिसाब से बनता है सर, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इज बिल्ड अप डिपेंड ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंट्स, ठीक है। अब ये लोग ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं कि हम अपना अकाउंटिंग सिस्टम मानेंगे, आप हो सकता है कि WDB में चार्ज किया बट हम उसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे, आप हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज करके रखा है बट हम उसको WDB मानेंगे, जो लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर किया है वो कनेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी डेबिट हो चुका है बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन को अलाउड नहीं किया जाएगा, तो क्या करना है, ठीक है, नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, करेंटली ऐड हो जाएगा, बाद में इसका एक लेस एडजस्टमेंट आने वाला है, ध्यान से सुनना बात को, बाद में इसका एक लेस एडजस्टमेंट आने वाला है तो ऑटो एडजस्ट होगा, तो अभी दिमाग मत लगाओ ज्यादा, ठीक है, दिमाग बाद में लगाना, ठीक है, बाद में दिमाग लगाना, मैं बाद में आपका दिमाग सुन लूंगा, तो फिलहाल बस आप इसको लिखो एक बार कि कैसे एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि मुझे ये जब तक मैं कुछ क्वेश्चंस पे नहीं आऊंगा ना तो कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा, बिकॉज ये तो बस प्रोफॉर्मा है। नेक्स्ट लिखिए सर, इनकम टैक्स डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन ए क्लॉज 2। सर मतलब क्या, सर मतलब ये है कि इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अलाउड नहीं है, मतलब आप टैक्स पे करने के लिए टैक्स को ही अपना खर्चा नहीं दिखा सकते। मानता हूं कि टैक्स आपका खर्चा है बट टैक्स एक्चुअली खर्चा नहीं है, टैक्स इज ए लाइबिलिटी, ठीक है, मतलब प्रॉपरली अगर इसको आप एज पर अकाउंट सोचोगे तो, लेकिन इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए है ना आप इनकम टैक्स को माइनस नहीं कर सकते, सो इनकम टैक्स डिसअलाउड है, जिसके बारे में सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 2 बोल के रखा है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से थोड़ा लिखिए, 2-3 अब थोड़ा पागल टाइप का पॉइंट है सर, 30% ऑफ सम पेबल लिखो, थोड़ा 30% ऑफ सम पेबल to residents
रेसिडेंट मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से जो इंडियन रेसिडेंट्स होता है, ठीक है। रेसिडेंट मतलब ऐसे नहीं कि जो इंडिया में रहने वाले, रेसिडेंट मतलब एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स। तो क्या कहता है कि सर 30%, ये बुलेट है, 30% ऑफ सम पेबल टू रेसिडेंट्स, जो रेसिडेंट्स को पे किया जाता है, ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। At source और tax is not deducted source मतलब TDS है, TDS बोलते हैं इसको, ठीक है। Tax is not deducted at source, ये not है sir, not deducted at source, इसको TDS कहते हैं, TDS। और साथ में ये भी कनेक्ट कीजिए, और has not been remitted, रेमिट करने का मतलब होता है वापस देना, has not been remitted on or before, अभी समझ में थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, on or before the due date under section 139 subsection 1, ये written file का section है, और साथ में ये भी लिखो after deduction, After deduction, disallowed under section 40, subsection A, clause 1. Bracket में लिखना, the same is allowable in the year which tax is deducted and remitted. सर ये क्या पॉइंट है, दिमाग से ऊपर नीचे हो गया पूरा? सर ये पॉइंट आपको आगे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि अगर कि कोई बंदा इंडिया का रेसिडेंट है, उसको कोई पेमेंट किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, सर कंपनी नॉर्मली जब किसी को सैलरी देता है, कोई कमीशन देता है, तो उसे टीडीएस काटना पड़ता है। एक चैप्टर आएगा सर, मैं आपको पढ़ाऊंगा टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स, तब आपको मैं टीडीएस के बारे में डिटेल चर्चा करवाऊंगा कि कितना कौन से केस में कितना टीडीएस काटा जाता है। बट अब इतना जान लो सर, जब कंपनी किसी को पेमेंट करता है या सैलरी देता है, वेजेस देता है, तो सरकार का मानना है कि भाई बाद में क्या देगा वो अलग बात, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के केस में ये नियम चलता है काफी, वो डिटेल्स लिस्ट है सर उसका टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स का, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा सर। लेकिन इतना जानो कि जब कंपनी पेमेंट करेगा टीडीएस काट कर करेगा, अब ये टीडीएस डायरेक्टली सरकार के घर में जमा हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 30% ऑफ सम पेबल टू रेसिडेंट्स ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कंपनी को अपने एम्प्लॉय को जितना पे करना था, ठीक है, उसका 30% ऑफ सम पेबल पे किया, लेकिन टीडीएस नहीं काटा, ठीक है। 30% ऑफ सम पेबल टू रेसिडेंट्स ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स और हैज नॉट बीन रेमिटेड ऑन और बिफोर एंड ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, और उसको जो अमाउंट है वो बाद में 139 सबसेक्शन 1 मतलब 139 सबसेक्शन 1 तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग का जो डेट है उससे पहले भी नहीं हुआ है, तो ये अमाउंट अगर कोई भी अमाउंट किसी ने खर्चा किया है किसी एम्प्लॉय के पीछे, वो उसका एक्सपेंस है। अगर हम लोग अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं तो मेरा एक्सपेंस होता है ना, लेकिन उसमें सिंपल बात है, अगर टीडीएस नहीं काटा, ठीक है, ड्यू डेट रिटर्न फाइल से पहले, तो वो एक्सपेंस को अलाउ नहीं करेगा। इतना सिंपल बात कर दी, ठीक है। अब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई क्या बड़ा सा चीज चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीडीएस काट के सरकार बोलते हैं टीडीएस काट के पेमेंट करोगे तो फिर मैं पेमेंट को आपको अलाउ करूंगा पीएल में, ठीक है, लेकिन अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा क्या कह रहा है यहाँ पर, हम लोग बार बार एक चीज याद रखना, हम लोग क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं, हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं एक्सपेंसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट अलाउड, मतलब बंदा ने उसको डेबिट करके रखा था कि भाई ये मेरा खर्चा है, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि भाई इसको डेबिट अभी करने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, ठीक है, तो फिर ये खर्चा मैं अभी अलाउ नहीं करूंगा। तो इनर कॉलम में
आप इसको पुट कर दीजिए इनर कॉलम में, क्योंकि आउटर कॉलम में तो ऑलरेडी मेन अमाउंट है, तो इनर कॉलम में चलेगा। ठीक है, ये आउटर है, ये इनर है, आप लोग समझ रहे हो ना सर? तो इस तरह से मैं चल रहा हूँ सर अभी प्रोफाइल। आगे बढ़े सर, और क्या पॉइंट रह सकता है सर? और क्या पॉइंट, और क्या पॉइंट? पॉइंट तो बहुत है, लिखा इसलिए रहा हूँ मैं, चाहता तो पढ़ा के भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको ये सब पॉइंट थोड़ा याद रहे, बिकॉज बहुत वाइटल होता है। तो क्वेश्चन करने के टाइम पे आप थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो आपको लगेगा भाई कौन सा पॉइंट है, कहाँ पढ़े थे। ठीक है, एनी एक्सपेंस इनकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच, इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट इज मेड फॉर goods, services or facilities to a related person. बहुत dangerous thing है सर, to a related person, to the extent, the extent the same is excessive or unreasonable sir, ठीक है, reason लेकिन ये unreasonable किसके opinion पे, in the opinion of the AO. AO means assessing officer. Assessing officer, thank you sir. अरे वो बोलने से ना मुझे वो एक मूवी देखा था, क्या नाम है उनका, AO AA ऐसा करता था, गोलमाल रिटर्न, पता नहीं गोलमाल या गोलमाल रिटर्न, इसमें एक्टर का नाम भूल जाता है, चल उतना काम नहीं करता, अकला का एक्टिंग किया था, अजय देवगन था, इतना याद जो भी हो, चलो मूवी से क्या होगा। एनी एक्सपेंस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट इज मेड फॉर गुड्स सर्विसेज और फैसिलिटीज टू रिलेटेड टू दी, सर मैंने रिलेटेड पर्सन वर्ड नहीं लिखा है क्या, एनी एक्सपेंस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट टू व्हिच पेमेंट इज मेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और फैसिलिटीज टू ए रिलेटेड पर्सन, फैसिलिटीज टू ए रिलेटेड पर्सन, ये वर्ड लिखना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था रिलेटेड पर्सन, मतलब अगर हम लोग कभी भी किसी रिलेटेड पर्सन को कोई गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं, ठीक है, लेकिन ये रिलेटिव के साथ बिजनेसमैन ऐसा दिखा के दुनिया को धोखा देता है, क्या करता है जानते हो, वो क्या करेगा, सेल, इसको बोलते हैं सेल बूस्ट करवाना या फिर खर्चा ज़्यादा दिखाना। अब रिलेटिव को 100 का चीज़ 200 में शो करेगा तो रिलेटिव तो कुछ बोलेगा नहीं ना, रिलेटिव के नाम पे एक बिल बना रहा है, रिलेटिव देगा उतना ही जितना पेमेंट का करना है, लेकिन रिलेटिव के नाम पे बिल बना के शो कर रहा है, क्योंकि रिलेटिव को बोलेगा तो रिलेटिव अपने लिए बात करेगा, है ना, रिलेटिव उनके बिहाफ में बात करेगा, तो रिलेटिव को क्या करेगा, रिलेटिव को 100 का प्रोडक्ट 200 में बोल के बेच देगा, मतलब कॉपी में, अकाउंटिंग कॉपी में, ठीक है, मतलब जो कि अनरीजनेबल है, तो जितना एक्सेसिव दाम पे आप शो करोगे रिलेटिव को, आप ये असेसिंग ऑफिसर कैसे पता करेगा, ऑब्वियसली असेसिंग ऑफिसर कोई आम आदमी, मतलब कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी ना होता है, इनको मार्केट का नॉलेज रहता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट कितने दाम पे मार्केट में बिक सकता है, इसका सॉलिड आइडिया होना चाहिए, अगर आइडिया ना हो तो आप एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हो, जब बड़ा से बड़ा घोटाला नजर आता है ना कि किस चीज का क्या दाम होता है मार्केट में, अगर आप उसका उतना दाम शो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपना इनकम को या अपना एक्सपेंस को छुपाना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में ये गलत है, तो अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये एक्सेसिव या अनरीजनेबल प्राइस चार्ज किया गया है, ठीक है, बिल बनाया गया है,
तो वो खर्चा भी आपको माइनस करना पड़ेगा. तो क्या बोला, एनी एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट इज मेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और फैसिलिटीज टू अ रिलेटेड पर्सन टू द एक्सटेंट दिस सेम इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर. ठीक है, असेसिंग ऑफिसर. अच्छा, इसमें क्या बात करेंगे, साथ में ये भी लिख दो, having regard to its FMV. FMV means fair market bracket में लिख दो, disallowed है ये, मतलब ये खर्चा PL में debit नहीं हो सकता. Disallowed under section 40A subsection 2. ठीक है, यहाँ पर बोला हुआ. तो ये रहा एक अनदर पॉइंट, इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन. इस तरह का सवाल बहुत होता है सर, तो बड़ा कॉमन पॉइंट है सर. और लिखो, एनी एक्सपेंस, मैं बोला था थोड़ा मोनोटोनस है, बट अभी स्टार्टिंग में मोनोटोनस काम कर लेते हैं ना, तो आगे जाके एंजॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगा. एनी एक्सपेंस इनकर्ड in respect of which any expense incurred in respect of which payment or aggregate payment to a person exceeding 10,000, 10K, ठीक है, 10,000 रुपीज इन ए सिंगल डे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ए सिंगल डे इज मेड अदरवाइज, ऐसे लिखा जाता है लॉ में, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, तब इसको छोड़ के किसी और मोड में किया, अकाउंट पे चेक में नहीं किया, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक. ठीक है, बैंक ड्राफ्ट लिखो, अकाउंट पे चेक, फिर लिखो बैंक ड्राफ्ट. ठीक है, बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं इसको. ठीक है, बैंक ड्राफ्ट ये कैश ही होता है एक्चुअली, यूज ऑफ ECS के थ्रू से, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. ठीक है, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड. ठीक है सर. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसमें इधर हुआ, यहाँ पर इसका एक काम होंगे, यहाँ दिखा दो आप लोग नीचे लिखते जाओ सर, मेरा पेज का रिस्ट्रिक्शन है. तो यहाँ पर आप लिखो एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सर, UPI, NEFT, मतलब इन सिंपल सेंस RTGS, ठीक है, भीम, जो भी हो, मतलब इन सिंपल सेंस जो ऑनलाइन में ना हो. तो ऑनलाइन में अगर पेमेंट ना करते हो, 10,000 से ज़्यादा पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट ना करके अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हो, लाइक कैश पेमेंट करते हो इन ए सिंगल डे, तो वो खर्चा भी ना आपको अलाउड नहीं करता. एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स टू ए पर्सन exceeding ₹10,000 in a single day is made otherwise than by way of account pay check, bank draft, use of ECS or any other electronic mode, wo chhod ke debit card, credit card, net banking, RTGS, NEFT, any kind of IMPS, bhim, jo bhi ho, other pay, theek hai, ye bhi aapko allowed nahi karega. To isko bhi likh do, disallowed hai, ye kharcha bhi bill mein debit nahi ho sakta, theek hai, disallowed under section
40A subsection 3, ठीक है। तो पॉइंट क्या चल रहा है सर? पॉइंट डेबिट कार्ड ये सब भी चलाओ। हाँ हाँ, डेबिट कार्ड ये सब मतलब ये नहीं चलेगा, और मतलब चेक ये सब चलेगा? नहीं, डेबिट कार्ड चलेगा, तो मतलब आपको पेमेंट इस तरह से करना पड़ेगा। कैश नहीं चलेगा, ठीक है। अगर कैश में करोगे, 10,000 से कम करोगे तो ठीक है, खर्चा शो कर सकते हो, ठीक है। अगर कैश छोड़ ये सब मोड यूज करके पेमेंट करोगे तो ठीक है, तब अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तब आप कॉन्सेप्ट को समझो। अब पढ़ क्या रहे हो? अब ये पढ़ रहे हो कि एक्सपेंस डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। आपने पीएल में कर दिया, 10,000 से ज्यादा खर्चा कर दिया, और वो आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया था, कैश में खर्चा किया था। मतलब आप आपका मानसिकता अलग दिशा में जा रहा है सर। मतलब एक दिन में 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, ऊपर से आप उसको खर्चा दिखा रहे हो, और ऊपर से आप उसको कैश में खर्चा किया, तो ऐसा खर्चा कभी आपको अलाउ करेगा क्या? ठीक है, इसीलिए बोलते हैं एक्सपेंसेस डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट अलाउड, ठीक है। परचेस जो होता है स्टॉक, उस समय तो होता ही है कैश में, 10,000 बढ़ते गए क्या? जो कुछ भी खर्चा करने सर, 10,000 से ज्यादा खर्चा करने से लोग करते हैं सर, ठीक है। लोग करता है बहुत कुछ, इधर उधर करता है, बट लॉ अपना फंसा अपने हिसाब से बोलता है, स्टॉक परचेस करो, कोई और एक्सपेंस करो, बट अगर आप कैश में करते हो डेली 10,000 का खर्चा, ठीक है, पर डे 10,000 का एक्सपेंस आप करते जाते हो, किसी को खर्च, किसी को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, एग्रीगेट पेमेंट कर रहे हो, तो उसको आप कैश में करोगे तो 10,000 से ज्यादा का कैश का खर्चा है तो वो डिसअलाउड है सर, बस यही बात कर रहा है, ठीक है। 10,000 के अंदर करोगे तो ठीक है, अगर कर रहे हो तो फिर ऑनलाइन में करो, अगर तो फिर आप उसका डिटेल्स दिखा दो कि मैंने इस पर्पस पे खर्चा किया। मतलब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मतलब जब रियल ऑडिट होता है तब ये सब पकड़ा जाता है, एक्चुअली यही होता है, पर छोटा मोटा केस में इतना प्रॉब्लम को लोगों को फंसाया नहीं जाता, वो अलग बात है, बड़े बड़े केस में ये सब चीज लॉ में इस तरह से बोला है सर। चलो अभी क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन करवाएंगे, सारा बात बताएंगे क्या है नहीं है सब बताएंगे, जिसका मैं अमाउंट का कॉलम कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से डील कर लेंगे सर, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप का, दिमाग का दही बनाएंगे सबका। सर्टेन बुलेट दो, देखो सर, सर्टेन सम्स payable by the SSC which have not been paid during relevant previous year in which the liability was incurred on or before due date for filing return under section 139 subsection in respect of that previous year, ये भी disallowed लिख लो under section 43B में भी बुलाओ, ठीक है। So basically ये क्या बोला सर, certain sums payable by the SSC which have not been paid during the relevant previous year, मतलब जिस टाइम पे देना था उस टाइम पे खर्चा हुआ नहीं है, जिस मतलब in which the liability was incurred, मतलब जब ये liability हुआ था तब नहीं हुआ था, ठीक है। So on or before due date for filing of return under section 139 subsection 1 in respect of that previous year, तो अगर पहले का खर्चा है बाद में कर रहे हो तो आप अचानक से उसका खर्चा इस तरह से शो नहीं कर सकते, इसीलिए इसको disallowed कर रहा है, ठीक है। तो इसे भी आप बना के रखो।
ये थोड़ा सा हटके पॉइंट था बट इसका ऐसे बताना मुश्किल है, थोड़ा प्रैक्टिकल बताएंगे जब, तो वैसा इस तरह का 43 भी जब डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस, रेडी मैं बता दिया पर्सनल एक्सपेंस के बारे में, ठीक है। पर्सनल खर्चा पीएल में डेबिट होगा क्या? नहीं, नॉट अलाउबल। पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट अलाउबल, ठीक है, एज पर उसका भी सेक्शन है, नॉट अलाउबल एज पर सेक्शन 37, ठीक है। सेक्शन 37 पर्सनल एक्सपेंस को भी नॉट अलाउबल करके रखता है। और क्या है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपने एक्चुअली देखो, आप अगर कोई बड़ा मशीन वगैरह चलाते हो अपने बिजनेस पे, तो बड़ा मशीन पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। और बड़ा मशीन को अगर आप कभी ऐसा ठीक करते हो, इसमें दो कॉन्सेप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है बोल सकते हो आप लोग? ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है। एनीवन प्लीज बोलो सर। कैपिटल एक्सपेंस है, खर्चा गुलो बारंबार হয় না, সেগুলো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, আর যেগুলো মানে প্রতিনিয়ত খরচা হয় সেগুলো হচ্ছে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার। স্যার ইসকা আর এক বেটার আর কোই, ইয়ে ঠিক হ্যায় বাট এক অ্যানাদার কনসেপ্ট, মানে ওয়ান টাইম এর জন্য যেটা খরচা। বলো ঠিক আছে, সুজিত তুমি শোনা, বাকি কোই বলো। লং টার্ম বেনিফিট কে লিয়ে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার মতলব অ্যাসেট জো হ্যায় উসকা জো लाइफ है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। वेरी गुड, लॉन्ग टाइम बेनिफिट पर ये भी अच्छा है, सुभजीत भी सही बोला है, जो बार बार नहीं होता है ये भी एक पॉइंट है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिसमें आपने आपका एसेट में खर्चा किया, पर एसेट का मतलब वैल्यू बढ़ गया सर, ठीक है। जैसे आपने घर पे रंग कराया, मशीन पे कुछ ऐसा पार्ट लगाया जिसमें उसका वैल्यूएशन बढ़ गया, अगला 5 साल तक उसका लाइफ बढ़ गया, ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कभी भी ना आप पीएल में डेबिट नहीं कर सकते, वो बिजनेस में डिप्रिसिएशन के साथ उसका मेंटेनेंस होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दोगे तो फिर मुश्किल, तब तो प्रॉफिट होना ही मुश्किल है, ठीक है, इसीलिए भी नॉट अलाउबल है एज पर सेक्शन 37। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये ऑडिट चल रहा है, ठीक है, ये ऑडिट है, कि अगर किसी को अकाउंट्स का सेंस है तो वो समझ पा रहा है कि भाई चल क्या रहा है, कि बिजनेसमैन जो जो जहां जहां प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां वहां अपना दिमाग लगा रहा है। रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक कोई बड़ा सा मशीन खरीदना भी कैपिटल एक्सपेंस हो सकता है। रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर जो मैं अभी बात कर रहा था वो भी सिमिलर काइंड ऑफ बात है, रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर। Not allowable as per section 30 and 31, ठीक है। चलो सर, amortization of preliminary expenses का डिटेल्स चर्चा ऐसे मुझे करना है आगे सारा, आगे आगे क्या होगा ना, मैं जितना सारा पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ ये सारा पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ये जो मैं बता रहा हूँ अभी 35D का एरिया है, ठीक है, 35D में ना पूरा इसका डिटेल चर्चा किया गया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। अब मैं अभी आपको प्रोफार्मा लिखा रहा हूँ बोल के हर पॉइंट में डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, बट जैसे जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ ना कि सेक्शन वाइज मैं आपको हर पॉइंट में बात करूँगी। जैसे अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है सर अंडर सेक्शन 35D, या फिर और देखें, एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, VRS बोलते हैं, अंडर सेक्शन 35DDA, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है सर कि रूल है कि 4/5, लिख के रखो रूल, 4/5 ऑफ सच एक्सपेंडिचर, इंपॉर्टेंट है,
to be added back. To be added back. 4/5 of such expenditure to be added back. मतलब ये क्या ये कैसा होता है जैसे प्रीलिमिनरी अमोर्टाइजेशन का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस ना रिसर्च वगैरह में काफी खर्चा करता है ठीक है स्टार्ट करने से पहले जब बिजनेस प्लांट भी नहीं बिठाता ठीक है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस स्टार्ट करने का पहला का खर्चा उसको धीरे धीरे कम रूल है कि उसको धीरे धीरे आप अमोर्टाइज कर सकते हैं अमोर्टाइज का मतलब क्या होता है धीरे धीरे राइट ऑफ करना ठीक है जैसे डिप्रिसिएशन क्या होता है एसेट का वैल्यू को धीरे धीरे हम लोग वैल्यू को कम करते जाते हैं क्योंकि समय के साथ साथ मेरा एसेट का वैल्यू गिर जाता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं इंटेंजिबल्स का अमोर्टाइजेशन होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हुआ है ठीक है जैसे ऐसा एक रिसर्च हुआ था कि जैसे कहा जाता है कि केएफसी वगैरह इंडिया में बिजनेस करने से पहले करीब 4-5 करोड़ 10 करोड़ के आसपास सिर्फ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किया है ठीक है रिसर्च वगैरह में खर्चा करता है तो रिसर्च का भी एक अलग एरिया है मैं आपको आगे और भी बताऊंगा कि रिसर्च करना बिजनेस में कितना जरूरी होता है और रिसर्च के ऊपर गवर्नमेंट क्या डिसीजन लिया है तो यहाँ पर बस यही बोल रहा है यहाँ पर करेंटली कि ये जो रिसर्च में या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में जो खर्चा होता है ठीक है अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है अपने ऑर्गेनाइजेशन पे उसको वॉलंटरीली रिटायरमेंट देने के लिए कंपनी खर्चा कर रहा है 35DDA के तहत तो इसमें सिर्फ 4/5 ऑफ सच एक्सपेंस एड बैक हो सकता है ऐसा कहा गया है इसमें और जोड़ो और क्या जोड़ोगे और क्या जोड़ोगे इस तो लंबा है मोटा मोटी जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है मैं आपको लिखा देता हूँ कुछ और भी पॉइंट्स होगा जो इसमें मैं नहीं लिखा पाऊंगा वो थोड़ा सेंस लगा के और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के माध्यम में हम लोग समझ जाएंगे सर अच्छा इसमें और जोड़ो सर देखो सर फाइन और पेनल्टी ध्यान से सुनना मानो कि आपने इनकम टैक्स देरी करके दिया कंपनी आपको सॉरी गवर्नमेंट आपको पेनल्टी लगा फाइन और पेनल्टी पेड फॉर इन्फ्रिंजमेंट इसको इसको कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट ठीक है इन्फ्रिंजमेंट और ब्रीच ऑफ लॉ ठीक है लॉ को तोड़ने के लिए अगर आपने फाइन दिया तो वो भी आपका खर्चा हुआ ठीक है इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है However, penalty in the nature of damages, okay, penalty in the nature of damages for delay in completion of contract, in completion ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में डिले हुआ है उसके लिए आप अपने क्लाइंट को डैमेज पे कर रहे हो ठीक है ये सब जो है ना ये अलाउड है सर ठीक है ये बिजनेस का खर्चा है ये बिजनेस है बीइंग कंपेंसेटरी इन नेचर ठीक है ये जो है सर कंपेंसेशन देना कि भाई हाँ देरी हुआ है इसके लिए ये कॉम्पेंसेशन जो भरा जाता है बीइंग कंपेंसेटरी इन नेचर समझ में आ रहा है ना सर ये वाला पॉइंट मतलब अगर कभी कोई लॉ तोड़ता है उसके लिए पेनल्टी देता है वो डिसअलाउड है लेकिन अगर बिजनेस करते करते कोई देरी हो रहा है डिले हो रहा है उसके लिए आपको मुआवजा भरना पड़ रहा है या फिर एक एक्स्ट्रा कंपेंसेशन देना पड़ रहा है जो आपका बिजनेस खर्चा माना जा सकता है वो आपका ही प्रॉब्लम है कि आपने देरी किया तो आपका लॉस हुआ लेकिन इस लॉस को बिजनेस अलाउ करता है लेकिन लॉ को तोड़ने के लिए पेनल्टी भरा और फिर उस पेनल्टी का अमाउंट को आप क्लेम करना चाहते हो पीएल में ये थोड़ा दिक्कत का बात हो जाता है ठीक है तो फाइन और पेनल्टी पेड फॉर इंफ्रिंजमेंट और ब्रीच ऑफ लॉ ठीक है इसको थोड़ा ध्यान में रखना है तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि बोल क्या रहा है ठीक है जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन आपको एकदम एग्जैक्टली यही पॉइंट में बात करे थोड़ा घुमा हुआ लाइन भी लिख सकता है ठीक है ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकम विच इज not taxable which is not taxable under this head मतलब ऐसा बहुत सारा मतलब expenses हो सकता है कि जो इस head का नहीं है ठीक है मतलब business head का नहीं है जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स का भी खर्चा होता है बिजनेस में, बट म्यूनिसिपल टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं बोलेंगे सर, मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी का है तो म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह बिजनेस में काउंट नहीं किया जाता. म्यूनिसिपल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, म्यूनिसिपल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर बिजनेस प्रॉपर्टी है तो उसका आ सकता है, लेकिन म्यूनिसिपल टैक्स इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर है ना तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा. जो लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो उनको पता है कि कहाँ कैसे यूज होता है, जो नहीं पढ़ा वो बाद में जब हाउस प्रॉपर्टी करेगा तब पता कर देगा. ठीक है. अच्छा और क्या हो सकता है सर, एनी सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर, एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम. ठीक है, पेंशन स्कीम में अपने एम्प्लॉय पे खर्चा कर रहे हैं. ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम जो अंडर सेक्शन 80 सीसीडी हो सकता है, इसका डिटेल सेक्शन पढ़ेंगे सर जब हम लोग डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6A. ठीक है, 80 सी से 80U का एक लंबा चर्चा होगा. ठीक है, उसमें सिर्फ कहाँ कितना डिडक्शन आप जीटीआई से ले सकते हो, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम से, उसका मैं चर्चा करूंगा. तो नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉयर 80 सीसीटी में अगर कोई स्कीम में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर होके एम्प्लॉय के पेंशन स्कीम में पैसा डाल रहा है तो क्या वो खर्चा ले सकता है. ठीक है, उसी के बारे में बोल रहे हैं. 80 सीसीटी एक्सीडिंग, अच्छा ये भी बोला सर, कितना अगर वो 80 सीसीटी में कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी हो जाए तो नहीं होगा. 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, 10% ऑफ द एक्सीडिंग 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, जितना सैलरी उसका 10% क्रॉस कर जाए तो फिर वो एडवर्क होगा. ठीक है, सैलरी ऑफ दी तब ये खर्चा माइनस नहीं कर सकते, तो माइनस करके अपना खर्चा कम करना चाहते हो बट वो खर्चा माइनस करने नहीं देगा, एडवर्क हो जाए. ठीक है, एनी सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, बहुत अच्छा है कि आप एज एन एम्प्लॉयर चाहते हो कि अपने पेंशन स्कीम में पैसा डाले बट सारा पेंशन का एक्सपेंसेस आप खर्चा हिसाब से नहीं दिखा सकते. अगर 10% तक का है, अगर माना एम्प्लॉय का सैलरी 30,000 है तो उसमें पेंशन जा रहा है तो 3,000 तक मंथली हिसाब से आप चेक कर सकते हो, लेकिन अगर 10% के ऊपर जाएगा टोटल सैलरी का, ठीक है, तो फिर वो अमाउंट आपका खर्चा नहीं माना जाएगा, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा टीएल के, मतलब प्रॉफिट अमाउंट के साथ ऐड बैक हो जाएगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था. ठीक है, जिसमें पॉइंट मेनली मेन पॉइंट क्या था सर, एक्सपेंस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ टीएल बट नॉट अलाउड. ठीक है, नॉट अलाउबल, मतलब आप डेबिट करना चाहते हो टीएल में, कर भी दिया आपने, करना चाहते कि आप कर दिए बट ये आपको डेबिट करने नहीं देगा, अगर कर दिया तो वापस सब एडबैक हो जाएगा. ठीक है, सब एडबैक हो जाएगा, आपने कर दिया तो सब एडबैक हो जाएगा. एडबैक होके क्या होगा, एडबैक होके क्या होगा, टीएल मतलब जो प्रॉफिट अमाउंट है उसके साथ जुड़ जाएगा. ठीक है, उसके साथ जुड़ जाएगा और क्या होगा सर. तो अब ये एक पढ़ाव कंप्लीट हुआ, एक पढ़ाव कंप्लीट हुआ. हम लोगों ने जो पहला पॉइंट चालू किया था उसका नाम था ए, मतलब मेन अमाउंट जो टीएल का था. अब जितना सारा पॉइंट अभी आया सब कुछ ऐड होके जो पॉइंट आएगा ना सर, इसको हम लोग बी बोल देते हैं. तो अब अभी क्या हुआ सर, ये पॉइंट ए प्लस बी बोल के, तब जो ए पॉइंट मतलब नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, ठीक है, और उसके साथ ये सारा अमाउंट जो आएगा ये ऐड होगा, ऐड होके आपको एक पॉइंट मिला जिसका नाम हम लोग सी दे रहे हैं. ठीक है, अब इसके साथ और भी कुछ चीजें लेस होगा और ऐड होगा. चलो लिख लेते हैं सर. हाँ थोड़ा समय लगेगा पर लिख लेते हैं. लेस का पहले कुछ लेस अमाउंट देख लेते हैं, तो क्या लेस हो सकता है, एक्सपेंडिचर. अब देखो आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसा एक्सपेंडिचर अलाउबल एज डिडक्शन बट not debited to statement of PL. Expenditure allowable as deduction but not debited to statement of PL. ठीक है,
मतलब ये अलाउड है बट आपने पीएल में डेबिट नहीं किया, बात समझ में आया सर? आप ये खर्चा को माइनस कर सकते हो बट पीएल में डेबिट नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, अब लेस कर देंगे, समझ में आया सर? अब लेस कर देंगे, लेस करना चाहिए था बट किया नहीं, तो किया नहीं तो करो। ओके, जैसे कि डिप्रिसिएशन एज पर रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स रूल तो एक्चुअली एक्ट आया 61 में बट रूल आया 62 में, मतलब डिप्रिसिएशन सिंपल कहा जाता है कि डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स को आप लेस कर सकते हो, ठीक है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका परमिशन आपको देता है, जैसे पहले वाला डिप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ा क्योंकि वो डिप्रिसिएशन को आप माइनस नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स का है तो आप इसको लेस कर सकते हो। अच्छा, अब आगे आगे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा एडिशनल के बारे में, सेक्शन 32 का एक बहुत बड़ा डिस्कशन रहेगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन लगता है नॉर्मली एट द रेट 20% करके मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पे, एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट 20% एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी acquired by the SSE, engaged in the business of power sector, basically engaged in the business of manufacture and production of any article, अब law ऐसा ही लिखा है सर, any article or thing, मतलब कोई वस्तु, और generation और distribution of generation, transmission or distribution of power समझते हो, electricity दे बाबा, distribution of power, ठीक है? ऐसे केसेस में आप additional depreciation 20% charge करके उसको minus कर सकते हो। साथ में ये भी बोला कि अगर आपका asset 6 months use होता है तो 180 days तो 10%, ठीक है? तो bracket में लिख सकते हो 10% of actual cost if put to use बोलते हैं इसको, मतलब कितना दिन आप यूज कर रहे हो, put to use for less than 180 days in the year of acquisition, in the year of acquisition। आगे चर्चा होगा सर इसका, बहुत चर्चा होगी, लेकिन इतना समझ में आ गया। ब्रैकेट में लिख देना एक बात और, बैलेंस मतलब अगर 6 months का डिप्रिसिएशन आप एक्विजिशन ईयर में लेते हो तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा, तो बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन कब लेंगे, नेक्स्ट ईयर। बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर चार्ज कर सकते हो, बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज करेंटली अगर मैं बताऊं तो प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है, या फिर जो भी आपका एज पर हिसाब चलेगा, ठीक है? तो ये डिप्रिसिएशन के लिए एक स्पेशल पॉइंट था जो आपको लेस करने का मौका गवर्नमेंट आपको देता है बट आपने उसको लेस नहीं किया था, ठीक है? और सर ये भी लिख लो, बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड
ड्यूरिंग पीवाई प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है, ये भी एक स्पेशल मौका आपको देता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में कोई मशीन एक्वायर करके इंस्टॉल किया था, ठीक है, और उसका पुट टू यूज लेस देन 180 दिन का रहा है, अगर उसका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज का रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग दैट ईयर, करंट ईयर के हिसाब से, तो उसके केस में भी आपको डिप्रिसिएशन 10% अलाउ करता है सर। अब ये डिप्रिसिएशन का डिटेल्स डिस्कशंस में आपके साथ अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसका डिटेल्स चर्चा होने वाला है सेक्शन 32 एंड ऑल, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रिसिएशन का क्या खेल चलता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितना लिख लिया, दैट इज ए प्लस बी करके हमें सी मिल गया, यहाँ से लेस अमाउंट करो तो जो भी मुझे मिला दैट इज सी था लेटेस्ट में, अब सी से आप माइनस करना तो क्या मिला मुझे, सी का जो वैल्यू था वहां से डी माइनस करो, ये जितना पॉइंट है इसको डी बोलो और आपको आउटर कॉलम में ई मिला होगा, ठीक है, सी माइनस डी इक्वल्स टू ई। अब इसके साथ और भी कुछ लेस अमाउंट है, और भी कुछ लेस अमाउंट है सर, दिमाग खराब करने वाले हो आप आज। सर मैं बोला था कि थोड़ा मोनोटोनस है बट बहुत अच्छा लगेगा आगे जाके। सर लेस करना इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट taxable or taxable under any other head, मतलब ये इनकम है सर, एक्सपेंस नहीं। हाँ, जैसे प्रीवियसली हम लोग एक्सपेंस के बारे में बात किया, अब मैं इनकम के बारे में बात कर रहा हूं। आपने इनकम क्रेडिट कर दिया बिजनेस में, मतलब आपको ये बिजनेस का इनकम लगा, मतलब कुछ ऐसा इनकम है जो बिजनेस का इनकम शो कर दिया हम लोगों ने, जैसे कि डिविडेंड इनकम, जैसे कि डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम अदर सोर्स में जाता है सर। इसके बाद हम लोग अदर सोर्स चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको अदर सोर्स में कैसे डिविडेंड इनकम काउंट किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। तो डिविडेंड इनकम जो है सर ये हमारा अदर सोर्स का पार्ट है, तो फिर बीपी में क्या करेगा, लेस करना चाहिए। अच्छा, एग्री इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, जो एग्रीकल्चर इनकम क्लास कर चुके हो और जो नहीं किया हो प्लीज एक बार बैकअप एग्रीकल्चर इनकम या फिर उसके साथ जुड़ा हुआ चैप्टर है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 10 का एरिया है, जरूर एक बार गो थ्रू कर सकते हो सर। एग्री इनकम जो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, उसे भी आप बिजनेस में इनकम के तौर पर शो नहीं कर सकते, ठीक है, तो माइनस करो। There are some category जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि एग्रीकल्चर इनकम बिजनेस के साथ जुड़ रहा है, वो एग्रीकल्चर में बहुत डिटेल्स में बोला गया है सर। अच्छा, और कुछ इनकम सर? सर और भी हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, ठीक है, सेविंग्स बैंक अकाउंट और FD फिक्स डिपोजिट इंटरेस्ट, ठीक है, जो बेसिकली टैक्सेबल अंडर IFOs इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो वो बीपी में कुछ काम नहीं कर सकता सर, ठीक है। इसके अलावा और भी है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट। मैं आप लोगों को रिसेंटली कैपिटल गेन पढ़ाया, जो लोग क्लास लाइव में किया सर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन कैपिटल एसेट अंडर कैपिटल गेन, ठीक है, अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो ये कैपिटल गेन का एरिया है, ये बीपी में क्या करेगा, माइनस करना चाहिए। अच्छा, और क्या होगा, लंबा है हिसाब, क्या रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में जाने वाला है, तो बीपी में क्या करेगा,
अगर बिजनेसमैन शो करके अपना खर्चा शो करना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो गलत कर रहा है, ठीक है। तो ये गलती करने का मौका नहीं देना है, ठीक है। अच्छा, और क्या है सर? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हाँ ये भी आदर्श सोर्स है सर, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ठीक है, बिजनेसमैन कर सकता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, ठीक है, हॉर्स रेस, गेम्स एक्सेट्रा, ये टैक्सेबल होता है, 30% टैक्स लगता है नॉर्मली, टैक्सेबल अंडर द हेड आईफोस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो इसे भी बीपी में जगह नहीं मिलेगा, तो लेस कर देना चाहिए। अच्छा, गिफ्ट्स एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, गिफ्ट एग्जेम्प्ट भी होता है, कभी कभी टैक्सेबल भी होता है, बताऊंगा सर, बट ये अंडर द हेड आईफोस होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है, बीपी में इसको जगह नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा सर, इनकम टैक्स वाले रिफंड करता है, अगर आप ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर देते हो तो इनकम टैक्स रिफंड आपको इनकम की तरह क्रेडिट करने का मौका नहीं मिलेगा बिजनेस में। इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट रिफंड नॉट टैक्सेबल, ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड नॉट टैक्सेबल, तो वो भी आप माइनस कर देना, मतलब ये इनकम भी नहीं है, ठीक है आपका, बिकॉज आपका रिफंड है आपको मिला। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, मतलब कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड करता है, अगर आपने ज्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया था तो उसके साथ इंटरेस्ट भी देता है, उसका डिटेल्स चर्चा में करूंगा रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल अंडर द हेड आईफोस, ठीक है, ये टैक्सेबल है पर आईफोस में है, यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आखिर हमें मिल गया सर पॉइंट ई, लास्ट में मेरे पास था पॉइंट ई जो था, वहां से मुझे जो मिला इसको एफ पॉइंट बता देते हैं, और आउटर में मुझे मिल जाएगा जी, ई माइनस एफ इक्वल्स टू जी। अब बस लास्ट पॉइंट है, खत्म होने को है सर, ठीक है, और कुछ एडजस्टमेंट रह गया सर इसके साथ ना, एक एडिशन बाकी है, क्या एडिशन करना चाहिए जानते हो सर? सर, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड और डिप्ड इनकम, मतलब या तो इनकम हुआ नहीं है पर हो सकता है उसको डिम इनकम मान लिया जाएगा, या फिर जो इस हेड में होना चाहिए बट हमने किया नहीं, तो जो इनकम हमने किया नहीं उसको ऐड करना है, जैसे जो इनकम मेरा नहीं है उसको मैंने लेस किया, अब जो इनकम मेरा है पर मैंने क्यों ऐड नहीं किया, करना चाहिए, तो जो इनकम आपका है आप उसको ऐड करो, या फिर जो डिम्ड माना जाएगा एज पर इनकम टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पर फटाफट कुछ पॉइंट ऐड करो, समझ जाओगे। जैसे सैलरी रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, फ्रॉम द फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को सैलरी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट रिसीव होता है ना, तो इनकम है वो बिजनेस का, ठीक है, टू द एक्सटेंट, यहां पर एक बात और है सर, टू द एक्सटेंट, द सेम इज डिडक्टेबल इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, अगर वो फार्म के हाथ में डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 40B, ठीक है, चर्चा करना है मुझे आगे इसका, और एक बात सेक्शन 10 में भी इसका क्रिया है कि अगर फार्म टैक्स पे कर देता है तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं रहता है, ठीक है, इसका डिटेल चर्चा मुझे आगे करना है आपके साथ। अच्छा, और क्या है, लेकिन ये इनकम ऐड होना चाहिए। बैड डेप्ट, जो बिजनेस में बैड डेप्ट हो गया था, बैड डेप्ट अलाउड एज डिडक्शन
अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में होता है इन एन अर्लियर प्रीवियस ईयर, इन एन अर्लियर प्रीवियस ईयर मतलब पिछला प्रीवियस ईयर में, बट पॉइंट इज दैट कि अभी वो जो मेरा बैड डेट हो चुका था मतलब जो पैसा मुझे लगा था नहीं मिलने वाला है नाउ रिकवर्ड अब आ गया, तो नहीं मिलना जो था वो अगर आ जाता है जब होते हैं ना सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाए तो उसे क्या बोलते सर, उसे भूला नहीं कहते है ना, तो मतलब जैसे आप भूल गए थे तो एक्सपेंस दिखा दिए थे लेकिन अब आपका इनकम हो गया, सो इसको डीम्ड इनकम माना जाता है, डीम्ड एज इनकम अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन को, डिटेल्स में चर्चा आगे होगा। और एक पॉइंट है सर रेमिशन और सीजेशन, सीज कर मतलब कंप्लीट हो जाना, सीजेशन रेमिशन और सीजेशन ऑफ ए ट्रेडिंग लाइबिलिटी, ये भी डीम्ड इनकम मतलब आपका लाइसेंस किसी और को दे देना ठीक है वो भी आप में इनकम करते हो, अपना ट्रेडिंग काम किसी और को दे देते हो, रेमिशन और सीजेशन ऑफ ए ट्रेडिंग लाइबिलिटी इसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डीम्ड इनकम मानते हैं सर, डिटेल्स चर्चा में करूंगा आपके साथ सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में ठीक है, तब तक के लिए जितना मैंने आज आपको लिखाया आप जरूर गो थ्रू करें ओके। और अच्छा अब जो कुछ भी मैंने आपको एडजस्टमेंट अभी बताया ठीक है, इसके बाद लास्ट में जो कुछ भी एडजस्ट हुआ एड लेस करते हुए आपको मिलेगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्ट में बोलो तो पीजीबीपी, पीजीबीपी ठीक है। अब जो पॉइंट हमारे पास था वो जी था, जी के साथ एच को ऐड करना है तो क्या मिला आई ठीक है, क्या मिला तो ये बस एक एबीसीडी एफजी जाएगा, एक बस सिंपल कनेक्टिविटी है नथिंग मोर देन दैट सर। प्रोफॉर्मा कंप्लीट, प्रोफॉर्मा कंप्लीट, अब क्या करना है आपको घर पे प्रोफॉर्मा को एक बार गो थ्रू करना है, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स कैलकुलेशन चालू हो जाएगा ठीक है, एक बार गो थ्रू करके रखिएगा, मैंने बहुत पॉइंट डिस्कस तो नहीं कर पाया क्योंकि डिस्कशंस करना पड़ेगा, तो अगर आप ये एड लिस्ट का खेल समझ गए तो बीपी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस एक लास्ट पॉइंट सुन के जाओ आपको कनेक्ट करने के लिए कि बिजनेस एंड प्रोफेशंस में बेसिकली रेक्टिफिकेशन अवेलेबल होता है, जो भी पीएल में आप प्रॉफिट बनाए हो उस प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट होगा आपका बिजनेस में वो प्रॉफिट में टैक्स दिया जाता है सरकार के घर में, वही आपका इनकम है, लेकिन किंतु परंतु एक ही बात है कि अगर उस प्रॉफिट में कोई घोटाला है ठीक है, जो इनकम टैक्स को लगता है कि भाई ये मेरे हिसाब से नहीं है, तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि उसके हिसाब से नहीं है वो अपना प्रोविजन आपको देके रखा है, जो एज ए कंसल्टेंट एज ए सीएसीएसीएम में आप लोग पढ़ते हो और पढ़ के आपको पता चल जाता है कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको अलाउ नहीं करता है, तो जो खर्चा अलाउ नहीं है उसको आप ले नहीं सकते, जो इनकम नहीं है उसे भी आप नहीं ले सकते ठीक है, जो आप पीएल में नहीं शो कर सकते, तो जो शो कर सकते हो देखो जो है वो तो है, जो जो मेरा बिजनेस का खर्चा है इनकम है उसमें टच ही नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था अलाउड डू नॉट टच, जो अलाउड है उसको लेके बिल्कुल इधर उधर मत करना, जो अलाउड नहीं है या तो वो इनकम अलाउड नहीं है या तो वो एक्सपेंस अलाउड नहीं है ठीक है, तो अगर ऐसा है तो अगर एक्सपेंस अलाउड नहीं है तो एड बैक कर दो और अगर इनकम अलाउड नहीं है तो लेस कर, सिंपल बात ठीक है, तो ये है एड बैक का खेल, अब आप एक बार गो थ्रू करो और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, तो ये जो आधा अधूरा सा फीलिंग है ये पूरा पूरा सा होता है। थैंक यू सर, आज इतना ही है, टाटा। ओके सर बोलो, अरे कनेक्टेड हो आप लोग? हाँ यस सर। ओके सर, इसने आप बुझा गया थी तो? हाँ बुझे थी। ठीक है, ओके सर, टाटा बाय, थैंक यू।